ये टायर गया क्या? नहीं, वो गोली चला रहा है, जल्दी करो जल्दी। ए, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार धक्का मार, एक मिनट स्टार्ट हो रही। ये सब क्या हो रहा है? वो कौन था? तू कौन है? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। सीधा साधा आदमी? तो वो तेरे पे शूट क्यों कर रहा था? मुझे नहीं मालूम। ए मामू, तेरा कोई भाई लोगों से पंगा तो नहीं है ना? नहीं। भाई लोग बहुत डेंजर होते हैं, तेरे साथ अपुन भी जाएगा, समझा? देख वो पीछे जीप आ रही है ना, उसमें जा। ये वही जगह है। अरे मर गया बाप। ए बजरंग बली, ए प्रभु बचा मेरे को। ए तेरे को हनुमान चालीसा आता है क्या? गायत्री मंत्र आता है? मुझे नहीं आता है। अरे कोई भजन आता है तो गाना। तेरे साथ अपुन भी मरेगा। अबे हट, प्लीज मुझे हेल्प करो। ए हट कैसे? अरे मेरे पीछे मत आना, बोला ना। अरे भागे थे, सेठ। हाँ सेठ, क्या लाओ क्या? लो भाई। आओ आओ घनश्याम सेठ, कैसे हो तुम? तुम यहाँ? अपनी बीवी को फोन लगा, बोल किडनैप हुए, 2,00,000 रुपए कैश मांगता है, कैश समझा? लेकिन लेकिन क्या, पैसे लेता है फिर टाइम पे नहीं देता है? ए सर्केट, तू भी मामू है यार, तेरे को सिर्फ गन दिखाने को बोला था, तू अखी मुंबई में घुमा घुमा कर गोलियां चला रहा था, किसी को लग जाती तो? अरे भाई टेंशन क्या को लेता है, नकली गोली है, लगेगा मुझे तो चटका लगेगा खाली। अबे पीटी उषा, तेरे को बहुत भागने का शौक है, अभी देख ये 2 इंच की दूरी से अगर मैंने घोड़ा दबाया ना तो ये नकली गोली भी बहुत डैमेज करेगी। क्या कौन हो तुम लोग? तेरे को बताया नहीं, सोशल वर्कर है रे, वसूली का काम करते हम लोग। अभी देख तेरे को उसका 2,00,000 देने का है कि नहीं, बस देने का और घर जाने का, चल। मनीलाल जी ये गलत है, मैंने वक्त पे सारे पैसे तुम्हारे भाई को दे दिए थे। अरे मेरा भाई तो आधी मुंबई को चूना लगा के दुबई भाग गया है, अब तेरा उसके साथ में क्या कनेक्शन था? अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने को अपना पैसा चाहिए बस। लेकिन तुमने ही तो कहा था पैसे तुम्हारे भाई को दे दूं। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। ये तूने इसके भाई को पैसे दिए थे क्या? हाँ पूछो उसे, पूछो। अरे ये क्या पूछेगा? ए मामू तू बहुत बड़ा मिस्टेक किया, घनश्याम सेठ घर जा। ये ले अपनी बीवी को फोन लगा। पर क्यों? ये अपना सर्किट फ्यूज नहीं करने का क्या? 6 फुट का एक आदमी ना, 2-2 फुट के 3 बना डालूंगा। चल फोन लगा अपनी औरत को और बोल तेरा किडनैप हो गया, 1 पेटी भेजने के लिए। एक पेटी किस बात का? क्योंकि तूने अपुन से रॉन्ग काम कराया, उस बात का। अपने बाबूजी कहते हैं बेईमानी करने का नहीं और सहने का नहीं। चल अब ईमानदारी से फोन लगा, चल। ये सर्किट एक अबर भाई पकड़ इसको। मुरली प्रसाद शर्मा का टेलीग्राम है। जल्दी खोल, अरे जल्दी करना, जल्दी कर। कब? शाम की गाड़ी से भाई। अरे बाप रे मर गए। ए आलम
चल बनवारी का आवाज लगा। अरे बाबूजी आ रहे शाम को 5 बजे की गाड़ी से। बाबूजी तो हर साल जुलाई में आते हैं यार। अरे बाबूजी की बरसात थोड़ी है जो जुलाई में आएंगे वो तो कभी भी आ सकते हैं। अरे बाबूजी आ रहे शाम को 5 बजे भैया। अरे बाबूजी आ रहे भैया, बाबूजी आ रहे, बाबूजी आ रहे, बाबूजी जल्दी टाइम कम है, बाबूजी आ रहे हैं। मामा सो गए सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। कितने सिक्के जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। कितने सिक्के जोड़े सबको ये चिंता है, जीवन है एक बैंक पल पल को गिनता है। देखो अपने प्यार की सेविंग जवा हो गई मामू। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। अभी कच्चे हो बेटा। माफ कर दो साहब, पर्स नीचे गिर गया, मैं तो उठा के दे रहा था आपको। मैं पॉकेट मार रही हूं साहब, पॉकेट मारता है, मार साले को, पॉकेट मार है, चोर मार साले को, मार साले को, मार साले को, पर्स नीचे गिर गया, मार साले को, नीचे गिर गया यार, मार साले को, चोर मार। कितना मार रहे बेचारे को, मार साले को, क्या कर रहे हो तुम? हटो हटो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे, क्यों मार रहे हो उसे? जेब से हमारी काटी है, पर्स ने हमारा चुराया है और आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। इसे तो मैं मारूंगा, आओ मेरे साथ। आप इन लफंगों को नहीं जानते साहब, हमारे हवाले कर दो, अभी ठीक कर देंगे। बोल, कर दो इनके हवाले? जानते हो ये कौन है? ये हमारे देश की जनता है, जनता। इनके चेहरे देखे कितने गुस्से में है। कोई बीवी से लड़कर आया है, किसी का बेटा उसकी बात नहीं सुनता, किसी को अपने पड़ोसी की तरक्की से जलन है, कोई मकान मालिक के ताने सुनकर आया है। सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर क्रिकेट टीम की हार तक हर बात पे नाराज है, लेकिन सब चुप हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। और ये सारा गुस्सा तुझ पे निकालेंगे, कर्दून के हवाले, सर फोड़ देंगे तेरा। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, मेरे से मेरे गलती हो गई साहब। भाई कहीं दिख नहीं रहे, अरे चलना। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया, अब आप अपने काम काज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद। देखो बेटे, ऐसे कामों से बहुत आसान है ईमानदारी से जीना, समझे? बाबूजी नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम जानते हो उसे? ये नहीं नहीं नहीं, कुली देखो तुम्हें चोट लगी है, तुम हमारे साथ चलो, मेरा बेटा डॉक्टर है। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। क्या बाबूजी आ गए? अरे बाबूजी आ गए, चलो जल्दी करो, बाबूजी आ गए। अबे अबे चलिए, अबे तेरे ही तो तेरे। बोर्ड नया लगाया बेटे ने? हाँ एकदम, टेलीग्राम मिलते ही। अरे माजी आइए ना, पढ़ो। अरे पढ़ो ना। अरे जल्दी पढ़ो ना, मुझे अपने बेटे से मिलना है। अच्छा मैं ही पढ़ देती हूँ। श्री हरि प्रसाद शर्मा चैरिटेबल हॉस्पिटल, इनका नाम है। बस खुश, पढ़ लिया अपना नाम, अब चलिए ना। सुनो, मेरा बेटा भी गाँव से भाग के आया था, अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, मगर नहीं, उसने मेहनत की और डॉक्टर बना। चलो अंदर चलो। जिस बात का डर था वही हुआ,
लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन्स। डॉक्टर साहब मैं बस तो जाऊंगा ना। कहीं और जाते तो मुश्किल था, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा के पास है। अरे बाबूजी आप आ गए। जीते रहो बेटे, खुश रहो। कैसी है माँ? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अरे काय का ठीक है, दिन रात पेशेंट लोगों की सेवा करता है, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं उसके पास। कर बेटे, ऐसे ही दिल लगा के लोगों की सेवा कर, बहुत पुण्य का काम कर रहा है। जी बाबूजी। अरे हाँ बेटे, जरा इसे देख, चोट आई है इसे। अरे चिंता मत कर, ठीक कर देंगे तुम्हें डॉक्टर साहब। डॉक्टर लोहाना, कट बहुत गहरा है, इमरजेंसी है, ट्रीटमेंट करो। फिकर करने की कोई बात नहीं, डॉक्टर लोहाना संभाल लेंगे। बहुजी आप थक गए होंगे, जाके आराम कीजिए ना। अरे तुझे देखकर सब थकान दूर हो जाती है। चुप 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 क्या हुआ उसे? धुलाई। सिलाई सिलाई माँ, स्टिचेस देते हैं तो दर्द होता है ना। किसे दो? पूरे 1,00,000 रुपए हैं, मेरे पति को जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चुप चुप बोलो ना डॉक्टर। माफ कीजिए देवी जी, अगर सिर्फ पैसों से लोगों की जान बच सकती थी तो अमीर आदमी कभी मरते नहीं थे। सरकेश्वर समझा दो इन्हें। हाँ डॉक्टर। यस भाभी जी। भाभी चल चल चल, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इनके पति है बाबूजी, वजन इतना बढ़ गया था कि जान को खतरा था, ऑपरेशन करके सब चर्बी बाहर निकालनी पड़ी है। बराबर है ना पैसा? भाभी टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से, उन बेटा साले को जल्दी भेज देना। हाँ फिकर नहीं, ये तीर तो चिंदी चोर निकल जाते। अच्छा बेटा तू अपना काम कर। अरे पिछली बार जब हम आए थे तब भी आप यहीं थे, आप ठीक तो है ना? श्री गुरुचरण सरोज मन मुकुर सुधार, वो जो दायक बल चाहर, हार्ट अटैक। डॉक्टर मोटी, माँ बाबू जी का अंदर ले जाओ, जल्दी जल्दी, दस दूर फ्रॉम नाउ। अबे गधे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू, और कोई बीमारी नहीं आती तुझे? जब भी देखो तो छाती पकड़े। मिश्रा जी को देखो, व्हाट अ नेचुरल एक्टर, 3 साल से लेट रहे लेकिन आज तक बाबूजी को शक नहीं पड़ा। उल्लू चले खजूर, तेरा गेट पास आ गया, चल 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 तू कट ले। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे तू नहीं समझेगा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। भाई हर बार तुम्हारे को इतना दुख होता है, अपने को अच्छा नहीं लगता। भाई भाई तुम एक बार बाबूजी को बोल दो ना कि अपन डॉक्टर नहीं है, भाई है। और वैसे भी ये शहर में तो भाई डॉक्टर लोग से ज्यादा तो भाई लोग का इज्जत होता है। सच्ची बाबूजी मर जाएंगे यार, 1 हफ्ते की तो बात है। याद है माँ, वो मरगट के पास मैंने एक भूत देखा था। वो चंदू था, उसे नींद में चलने की आदत थी और बाबूजी ने छड़ी उठा ली थी। बेवकूफ, तू मरगट के पास गया क्यों था? मैं कितना डर गया था ना माँ। डर गया था, कांप रहा था। और तूने मुझे गले लगा लिया, फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई भूत मुझे नहीं डराएगा। क्या कहती थी तू उसे? जादू की झप्पी। जादू की झप्पी। उठ। क्या हुआ? उठ बोला ना, इधर आ। अब सच बता, बात क्या है? माँ अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो
क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों माँ बेटा मिलकर? कुछ नहीं बाबूजी, गांव की याद आ गई थी। चल गांव और आके देख, गांव में सिर्फ मेरे बेटे की बातें होती हैं। गांव का सबसे शरारती लड़का शहर में आके इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। इतना भी शरारती नहीं था। हाँ हाँ, शरारत तो मैं करता था। बागीचों से फल मैं चुराता था, लोगों की धोती में पटाखे मैं सुलगाता था। हाँ नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। वो क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, पगलाए गए। डॉक्टर बाबू कैसे हैं? ठीक है ठीक है। नारियल कैसे दिया है? अरे मजाक करते बाबूजी, हम डॉक्टर बाबू से पैसे लेंगे क्या? बताइए कौन सा दूं, मलाई वाला पानी? सुनो भाई, अगर पैसे लोगे तो एक मलाई वाला। नहीं, दे नहीं, नहीं, पैसे नहीं लूंगा। तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। एक नारियल देना। मलाई वाला 15 रुपए, पानी वाला 10 रुपए। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपको जानता हूँ? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ डॉक्टर अस्थाना जी। शर्मा जी। बिल्कुल शर्मा जी, कैसे हैं आप शर्मा जी? आप जानते हैं एक दूसरे को? हाँ भाई, जब हमारे गांव में अस्पताल खुला था तो ये पहले डॉक्टर थे जो वहाँ आए थे। 2 साल रहे थे आप वहाँ पे। पर आप यहाँ? मेरा बेटा मुन्ना है ना, उसका अस्पताल है यहाँ। मुन्ना का अस्पताल? जी। मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, समझने की जरूरत ही ना है। बोलिए कौन सा नारियल दूं? एक मिनट, मुन्ना डॉक्टर बन गया? मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर जरूर बनेगा। हाँ हाँ, कहा था बाबूजी, कहा था। बोलिए कौन सा नारियल दूं, मलाई वाला दूं क्या? एक मिनट, कमाल है, मेरे घर के इतने करीब आपके बेटे का अस्पताल और मुझे पता? अरे नहीं पता तो जाने दीजिए ना, उसका मेरे नारियल से क्या लेना देना। फाड़ दे गया आपका नारियल। सॉरी सॉरी, चलिए मेरा घर यहीं करीब है। चलिए चलिए। आई एक चीज समझ में नहीं आई जी, आपके बेटे का अस्पताल यहीं करीब में। हाँ। लेकिन यहाँ के सारे डॉक्टरों को तो केला दूं। Get out! Get out now! Get out! Out! ये जो आप जोर जोर से हंसते हैं, इसका क्या मतलब? लाफ्टर थेरेपी। ज्यादा टेंस, ज्यादा गुस्सा हो जाए तो जोर जोर से हंसना चाहिए, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। लेकिन गुस्से में हंसी कैसे आ सकती है? आदत डालनी पड़ती है। मुझे देखिए, जितना ज्यादा गुस्सा आता है उतना ही ज्यादा हंसता हूँ। आइए बैठिए, और एक कप लेके आना। तो मुन्ना ने MBBS कहाँ से किया? पता नहीं, 12वीं जमात में था जब वो गांव छोड़ के भाग गया था। कसूर मेरा ही था, बहुत डांटता था उसे। मैं चाहता था कि वो डॉक्टर बने, मगर हर बार फेल हो जाता था। याद है मुझे। 15 साल के बाद मुंबई से उसका फोन आया। मैंने कहा, अरे वो नालायक, तू वहां करता क्या है? गुंडा या मवाली तो नहीं बन गया? कहने लगा, नहीं बाबूजी, मैं डॉक्टर बन गया हूं। मुझे ऐसा लगा कि खुशी से मेरी जान निकल जाएगी। चाय लीजिए। जी। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है शर्मा जी। आपकी बिटिया चिंकी कैसी है? अच्छी है। क्या करती है वो? डॉक्टर है। शादी हो गई उसकी? हाँ, 50 डॉक्टरों से मिला चुका हूँ। कहती है जिसे जानती नहीं उसे शादी कैसे करेगी। बिल्कुल ठीक कहती है। मेरी नजर में एक डॉक्टर है जिसे चिंकी बचपन से जानती है, और संजोग की बात तो यह है कि मेरी जेब में उसका फोटो भी है। कैसा लगा डॉक्टर? मुझे कोई शादीवादी नहीं करनी, अगर शादी करूंगा ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो पार्वती। कहाँ? अपने गांव। हम वही ठीक है, वहां कोई भी अपने माँ बाप की बात इतनी बेरहमी से नहीं टालता। ये सब क्या हो रहा है माँ, तू समझाना। मैं क्या समझाऊं, ठीक ही तो कह रहे हैं। एक ही तमन्ना थी, मरने से पहले तेरे बच्चे को गोद में खिलाऊं। छोड़ो, ऐसे ही मर जाती हूँ। अरे ये सब कहां से कहां जा रहा है माँ। सरकेश्वर तू ही समझाना यार। बाबूजी, अभी क्या है ना कि मुरली भाई अपना डॉक्टर है ना, तो क्या है कि वो टाइम आऊंगा कोई ठिकाना नहीं है, 24 घंटा दुकान खुली रहती एकदम।
और भाभी जी तो नहीं समझेंगे ना इधर क्या चल रहा है। तो हाँ, भाभी जी अगर डॉक्टर होती तो इसका प्रॉब्लम समझ। ये तुमने सच कहा, डॉक्टर की समस्या सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकती है। वही तो बाबूजी, इसलिए तो मैं कह रहा था कि अरे आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे? अरे माँ, तुझे क्या हुआ? तू भी हंस रही है? हमने तेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढ ली है, तेरा इलाज करवाने के लिए कल तुझे उसके घर ले जा रहे हैं। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? चिंकी। चिंकी? चिंकी ये कैसा नाम है? वो अपनी चिंकी? भाई चिंकी दिखने में कैसी है? बोले तो बहुत खूबसूरत है क्या? बचपन में ना बहुत मोटी होने की, बालों में तेल लगा के दो चोटी बांधती थी और उसका नाक ना हमेशा बहने का। बहुत खेलेला उसके साथ। अपुन डॉक्टर बनने का, वो अपुन की वाइफ। अपुन क्लिनिक जाने का, वो घर पे बैठ के खाना पकाने की। भाई इतना सब कुछ हो गया तो फिर बचा क्या है? शादी कर डालो ना। अरे तू भी कुछ भी बोलता है यार, दो दिन में उसको मालूम पड़ जाएगा अपुन डॉक्टर नहीं है। तो क्या बोलने का, अपुन डॉक्टर नहीं है, जो करने का उगाड़ ले। अरे तू भी ना मामू जैसी बात करता है यार, अपुन क्यों उसकी जिंदगी खराब करेगा? तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चिंकी, चिंकी मुन्ना का फोन है तुम्हारे लिए। मुन्ना? चिंकी, चिंकी बात करो, करो ना। डैड, डू यू माइंड? नो, आई डोंट माइंड। अच्छे से बात करना। ओके डैड, मैं उससे अच्छे से बात करूंगी, उससे अच्छे से शादी करूंगी, हमारे अच्छे अच्छे बच्चे होंगे और वो आपको नाना नाना बुलाएंगे। अब आप जाएंगे डैड? हेलो। हेलो, कौन? चिंकी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, काफी जल्दी जागते हो आप। अरे जल्दी कौन जागता है, अपन तो फुल नाइट सोएला नहीं है। क्यों, कोई इमरजेंसी थी? इमरजेंसी बोले तो बहुत बड़ी इमरजेंसी, फाट लगी लिया अपन की। क्या हुआ? अरे मुन्ना तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अपन तो ऐसे ही बात करता है ना। चल अपन भी ऐसे ही बात करता है। बोल क्या बोलता तू, बहुत फेमस डॉक्टर बन गया है मैं सुने ला। ए चिंकी अपन डॉक्टर नहीं है रे। अपन को पता है। बोले तो बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तब भी गुंडे थे अब भी गुंडे हो, क्या बरोबर बोल रही ना मैं? ए चिंकी अपुन गुंडा नहीं है रे, अपुन है सोशल वर्कर। क्या सोशल वर्कर? फाइनेंशियल हेल्प करता है मांडवली। मुन्ना पेशेंट से भी ऐसे ही बात करती हो क्या? ए चिंकी कौन सा पेशेंट, ए सीरियस अपुन बोलता है ना, डॉक्टर नहीं है रे। हा? देख अपुन को पूरी स्टोरी समझाने का टाइम नहीं है, अपुन जब तेरे घर पे आएगा ना तो अपुन को रिजेक्ट कर डालने का। बोलने का अपुन का थोपड़ा पसंद नहीं आया, कुछ भी बोलने का लेकिन रिजेक्ट करने का। और देख बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर बाबूजी को पता चल गया ना तो वो मर जाएंगे, प्लीज। हाँ अरे ओ मुन्ना। अच्छा चिंकी अपुन जाता है, रिजेक्ट करने का। ओके हेलो। ये देख तेरी माँ लाई है तेरे लिए, इसे पहन। अरे लड़की को देखने जाना है, जरा ठाट से चलेंगे, जल्दी से तैयार हो जा। जी। तेरी माँ तो कब से तैयार बैठी है। I'm ready, you're late. लक्ष्मी भाई शक्कर अलग से लाना, चाय में मत मिलाना। हा? क्या हुआ लक्ष्मी भाई? तुमको किसी से वसूली करने की है? वसूली? किसी को किडनैप करने का है क्या? किसी का हाथ पैर तोड़ने का है? लक्ष्मी भाई क्या बक रही हो तुम? तो ये फोटो इधर काय को पड़ा है? इसके चिंकी के साथ शादी होने वाली। या भैया मुंडा भाई के साथ। डैड क्या हुआ? चिंकी यू गो टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? पर मुन्ना आ रहा है ना? ओह मैं भूल गया बताना, आज नहीं आ रहे वो लोग, शायद अगले हफ्ते आएंगे। बट डैड यू गो, यू कैरी ऑन, आई फॉलो यू देयर। हरी अप फास्ट, मुझे यहाँ कुछ काम है। ओके आई कैच अप विद यू। ओके ओके
नमस्ते बाबू जी। चुभे मामू लग रहे हो यार, इधर ध्यान से सुन, हर 5 मिनट में मेरे को फोन कर देगा, बोलने का कि इमरजेंसी है, अगर 20 मिनट में मैं नहीं आया ना तो कुछ भी बहाना करके मुझे वहां से निकाल लेगा। को लेता है? चिंकी को समझाना, वो अपने बाप को समझा देगी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। चल बेटिया। मैंने कहा था ना लेफ्ट थेरापी। लड़की के पिता जो ठहरे। तो मुन्ना तुमने MBBS कहां से पास की? डॉक्टरी कहां से पास की? हाँ वो डोंगरी मेडिकल कॉलेज है ना, वहां से। डोंगरी मेडिकल कॉलेज, गुड। तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? हाथ पैर हड्डी या सीधा गला? हेलो हेलो भाई, सब कुछ ठीक है ना? कोई टेंशन मिशन तो नहीं है? हाँ एक बोतल ग्लूकोज चढ़ा देना, और कोई टेंशन हो तो मुझे फोन कर देना। ओके। हाँ शर्मा जी बता रहे थे कि तुम डॉक्टर कैसे बने, बड़ा गर्व है तुम पर। तुम्हें भी अपने आप पे गर्व होगा ना? इसमें गर्व की क्या बात है? गर्व नहीं है, शर्म आती है डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर मी, कम ऑन, आंसर मी। अपने पिता के चेहरे पे गर्व देखते हो, माँ के चेहरे पे खुशी देखते हो, शर्म आती है मुन्ना भाई? फोन क्यों नहीं उठा रहा यार, कुछ तो लोचा इधर। चलिए बाबूजी, मुझे चिंकी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? Who are you? What are you? मेरी बेटी एक डॉक्टर है। Do you know what a doctor is? डॉक्टर का स्टेटस क्या होता है, उसकी इज्जत क्या होती है? बाबूजी चलिए यहां से। डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। श्योर सर, आपका बेटा एक गुंडा है, पैसों के लिए लोगों को किडनैप करता है, लोग उसे मुन्ना भाई कहते हैं। अगर आप ये बात जानते और आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए तो आप इससे भी बड़े धोखेबाज हैं, और अगर आप ये बात नहीं जानते तो दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने नहीं देखा। बस बहुत हो चुका मुन्ना, ये क्या कह रहे हैं? मुन्ना तू डॉक्टर है ना? डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ऊंचा बोल गया था। डॉक्टर साहब वो बेड नंबर 4 बेहोश हो गया, जल्दी चलिए। कम से कम पगड़ी तो पहन लीजिए। अब क्या, पगड़ी तो अपनों ने ही उछाल दी। बेटा तो अपना ही है, माफ कर दीजिए ना उसे। बस पार्वती बस, उम्र बीत जाती है इज्जत कमाने में, और तेरे बेटे ने। चलो आज मैंने पहली बार इन्हें घर से बिना पगड़ी के बाहर निकलते देखा है।
क्यों किया मुन्ना ऐसा? मैं डर गया था मां। सालों बाद जब फोन पर बाबूजी से बात की तो मैंने सोचा कि पूछेंगे कैसा है तू, लेकिन उन्होंने पूछा कि मुंबई में क्या करता है, कहीं तू गुन्ना या मावाली तो नहीं। मैं डर गया था मां, और मेरे मुंह से निकल गया कि मैं डॉक्टर हूं। बाबूजी को रोक देना मां, वो नहीं रुकेंगे। जादू की छप्पी दे दे मां। पार्वती तुम आती हो तो मैं जाऊं। ने क्या बोला था चिंकी को? क्या बोला था? कि अपुन तेरे साथ शादी नहीं करेगा, बस अपने बाप का दिल रखने का, यही बोला था ना? यही बोला था भाई। भाई कुछ करने का क्या? नहीं यार, अपने बचपन की दोस्त है, डॉक्टर है, तेरे को मालूम है सिर्फ डॉक्टर की इज्जत होती है। अपनी तो कोई इज्जत है ही नहीं, खाली डॉक्टर की इज्जत होती है साला। ए साला, ए बोर्ड को हाथ में लगाने का साला, अपने बाप का नाम लिखेगा मुंह तोड़ देगा तेरा साला। भाई भाई बस ना भाई 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 तू बैठ भाई। बोर्ड को हाथ में लगाने का भाई, बैठ साला। तेरा बाप रोके गया इधर से, पहली बार मेरे सामने रोया, अपुन ने साला रुलाया उसको। भाई अपुन सब रोए भाई, क्या करेगा अभी? मालूम है क्यों रोए? मालूम है क्योंकि अपुन डॉक्टर नहीं है, अपुन डॉक्टर नहीं है इसलिए सब रोए। सबका मूड खलास कर दिया मैंने साला। ये सर्किट, अपुन भी डॉक्टर बनेगा भाई। भाई अपुन अपुन सुबह आराम से बैठ के बात करेगा ना भाई। अपुन को मालूम है तू ऐसे ही बोलेगा कि भाई अभी फुल टाइट है, कल सुबह सब भूल जाएगा साला। भाई ये डॉक्टर बिक्टर बन के क्या करेगा भाई? डॉक्टर बन के क्या करेगा? चिंकी से शादी करेगा। और वो साला डॉक्टर अस्ताना है ना साला, सुना वो क्या बोला? तू नहीं सुना, मैं सुना। अपुन उधर ही खड़ा था लेकिन कुछ नहीं बोला साला। अभी उस साले को दिखाएगा, डॉक्टर बन के दिखाएगा साले को। सर्किट पता लगा मुंबई में टॉप का मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ले टोपी। इसको पूछता हूँ, ये सफारी सूट क्या है? एडमिशन के लिए किसको मिलने का? उधर कैजुअल्टी में जाके फॉर्म भरने का। पेशेंट कौन है? कोई नहीं। तो फिर एडमिट किसको करने का है? भाई को। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ। तो फिर एडमिट क्यों करने का? डॉक्टर बनने का। किसको? अरे भाई को रे। ये अपुन की बात कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं। अरे
ये चिरकोट, भाई को जितना सहने का था ना सह लिया। चल अभी बोल किसको मिलने का। बोलता हूँ ना, आपको डॉक्टर बनने का है ना, तो सीधा जाके डीन से मिलिए। डीन बोले तो? डीन बोले तो हेडमास्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, वही आपको एडमिशन देगा। किधर मिलेगा? अभी वो ऑपरेशन थिएटर में रहेगा ऊपर। इधर डीन कौन है? तू मंगल कैसे आ गए? तू है क्या डीन? रुस्तम, गेट हिम आउट। ओके सर, यू प्लीज गेट हिम आउट नाउ। देखिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ बाहर आइए, बाहर चल के बात कर दे। प्लीज कम। एडमिशन चाहिए? एचएससी परसेंटेज क्या है बोले तो? 12th स्टैंडर्ड, 12वीं में कितना मिला? ये डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ तो मिला ना, क्यों सर्किट? हाँ मिला मिला, शाम तक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है। तो फिर एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, और अगर उसमें पास हो गए तो एडमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन किसको चाहिए? ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट्स कंपलसरी। तूने दिया था? ऑब्वियसली मैंने उस एग्जाम में टॉप किया था। अरे वेरी गुड, वेरी गुड यार। ठीक है ठीक है। ओके बाय। तेरा नाम क्या है? रुस्तम, डॉक्टर रुस्तम पावरे। रहता किधर तू? डाटा पासी कॉलोनी। तेरे को अंदर नहीं जाने का ऑपरेशन के लिए। अपुन को बहुत तैयारी करनी की है एग्जाम के लिए। प्लीज गो। भाई बचपन ना माँ बोलने की एग्जाम के पहले ना दही शक्कर खाने का, मार्क्स भी एकदम सॉलिड आता है। ये आप लोग गलत कर रहे हैं। दही शक्कर कहाँ लेते रहे? चलो इसको तैयार कर। ये रामो, रानी मेरी। अरे यार, ये रुस्ती देख, तेरा बाप तो रानी के पीछे हाथ धो के पड़े लाए और किसी को हाथ ही नहीं लगाता। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे। ये टेंशन काहे को लेता है? तेरा बाप अपुन के साथ है ना, बोला ना। हाँ तू जा, अपुन का एग्जाम दे के जा, जा। देखा ऐसा कॉन्फिडेंस में जाने का मुन्ना भाई के माफिक। किसी ने पहचान लिया तो? तेरी ऐसी की तैसी मनु थकेले। भाई फट्टू है साल। ए डॉक्टर निकलना, अपुन को एग्जाम में लेट होने को अच्छा नहीं लगता। तेरे को भाई का सर्टिफिकेट दिखाया कि नहीं? 98% आया है। फिर अरे खाली एंट्रेंस एग्जाम है रे, मच मच करता है। ले इधर एडमिशन कार्ड है क्या? ये इसको टैक्सी में डाल, निकाल दे। प्लीज नो, प्लीज नो। ये लोगा मार खाएगा आकड़े। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। क्या जाने किस्मत की रेखा क्या कहती है। ये लो पप्पा, हमारी टर्न। वॉरेडी करा। चलती रहती है। कैरम ब्रह्मानु, जूस पीवानो। मजा नहीं लाइफ। क्या जाने किस्मत की रेखा क्या कहती है, आँख में चौली किस्मत से चलती रहती है। ए पप्पा, तुम शुरू से ये रानी की पिछू काय को पड़े ले? रानी तो पप्पा नहीं। सुबह हो गई बाबू मामू मामू, सुबह हो गई बाबू मामू रे मामू। लड्डू दीजिए ना भाई।
भाई क्या हो भाई? हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे लाओ, जे जे हॉस्पिटल आ रहे लाओ, मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी हाँ। माहिती नाही काय मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई अरे MBBS कंट्रोल होगा देख कर हमको दुनिया चलेगी पर अपनी लाइफ मजे में चलेगी ए, सपना ये अपना सपना ना होगा ये ब्रेक 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 तरुण नाम शू छे ए उन पैर ना मारू नाम यन पर रास्कल मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई और MBBS अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा चल अपना चला जल्द दिन में 10-20 बाय बस नो टेंशन अरे मस्का है बाप मस्का No होंगी डॉलर में अपनी कमाइयां रंग लाएंगी महंगी दवा
सबको नचाऊंगा, मैं मरीजों को डिस्को कराऊंगा, नए राग में किसी बाग में नाचे झूम मैं गाएगा हम किसी बार से नई कार से बियर पी कर आएगा हम कुड़िया फुलझड़िया कुड़िया फुलझड़िया दिल अपना वेलकम टू चेक 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 अमार नाम सदा नाम मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई और MBBS खाने पीने का ध्यान रखना भाई भाई चिट्ठी विट्टी लिखना दुल्हन हूँ क्या शादी करके जा रहा हूँ लेकिन भाई याद तो आएगी ना अरे सर्किट तू ही संभालना यार भाई तू बुकले चल 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 ए क्या हुआ इसको सुसाइड केस है जहर खाया है इसने तू इधर कहीं को पढ़े ले अंदर लेके जाना वो क्या उसकी माँ फॉर्म भर रही है ना उधर जल्दी कीजिए ना सुन डॉक्टर वो बेचारा मर रहा है कुछ करना सॉरी उसे कैजुअलिटी में ले जाइए आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ ऑफ ड्यूटी बोले तो जहर खाया है तुम्हारे सामने मर रहा है तो ऑफ ड्यूटी बोले तो देखिए इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड पहले पुलिस फाइल बनवाना पड़ेगा अभी तेरा अटेम्प्टेड मर्डर किया तो तेरा ये हॉस्पिटल तेरे को बचाएगा या पुलिस की वेट करेगा बोल आंटी तुम्हारा झोंकरा है क्या टेंशन नहीं लेने का उल्टा करके दो हाथ मारेंगे ना सब कचरा बाहर निकलेगा तुम कौन हो बेटा मुरली प्रसाद शर्मा फर्स्ट ईयर टॉप किए ला ना क्लास को लेट हो रहा है ना अगर डॉक्टर ने टेंशन दिया ना तो आप उनको बोलने का ए जल्दी टिकर हेलो मैडम क्या है ये फर्स्ट ईयर का क्लास किधर है क्यों क्यों बोले तो तुम क्लास क्यों ढूंढ रहे हो अरे अपन को लेट हो रहा है ना किस बात के लिए क्लास के लिए आज अपन का पहला दिन है लेकिन तुम क्लास में क्या करोगे अपन स्टूडेंट है ना तुम स्टूडेंट हो एंट्री के एग्जाम में टॉप किया ला अपन ने क्लास किधर है हेलो क्लास किधर है तुम स्टूडेंट हो एक काम करो नाम क्या है तुम्हारा डॉक्टर सुमन देखिए आप टेंशन मत लीजिए अपुन ढूंढ लेगा ये फर्स्ट ईयर का क्लास किधर है आगे से लेफ्ट में Good morning, everybody. Welcome to the Imperial Institute of Medical Studies, and I am J. Dot Asthana, the Dean of this college. Please, sit down. मैं आज आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के बेहतरीन डॉक्टर्स इसी हॉल में इन्हीं बेंचेस पे कभी बैठा करते थे जैसे आज आप बैठे ये सर्किट अक्की मुंबई में तेरे को यही कॉलेज मिला था क्या आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस
125 साल पुराने इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अरे अपुन के सामने खड़ा है, कुछ ना कुछ बकरे ले। दिस इंस्टीट्यूट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड डॉक्टर्स, नो ग्रेट डॉक्टर्स। आप में से कौन अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है? यस यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी डॉक्टर बनोगी? यस सर। कैन यू हियर मी? यस सर। गुड, क्यों तुम में ऐसी क्या खास बात है? सर, आई लव पीपल। मुझे लगता है कि मैं पेशेंट्स के दर्द को खुद महसूस कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर नहीं, एक दोस्त बनकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। वी आर नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स। मैंने अपने 25 साल के करियर में किसी पेशेंट से दोस्ती नहीं की, किसी पेशेंट का दर्द महसूस नहीं किया, सिर्फ उस दर्द का इलाज किया। And I've done well. I do not love my patients. Confused? Let me explain. इस हाथ को देखो, rock steady. हजारों ऑपरेशन किए इन हाथों ने, लेकिन ये हाथ कभी नहीं कांपे। लेकिन अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूं तो ये हाथ जरूर कांपेंगे। क्यों? इसलिए कि मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूं। पेशेंट से दोस्ती, हमदर्दी, लगाव एक डॉक्टर की कमजोरियां हैं। अगले 5 साल तुम्हें यही सिखाया जाएगा कि डॉक्टर के लिए पेशेंट सिर्फ एक बीमार शरीर है और कुछ नहीं। I'd like to wish you the best of luck. Any questions? Yes, sir. Yes. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तुम्हारी क्लासेस कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच। शर्मा, मुरली प्रसाद, हरि प्रसाद, 98.33%। How? I don't know how. How would I know, sir? Yeah, how would you know? मेरे समझ में नहीं आया वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। Dad, it's okay. आप क्यों इतना excited होते हैं? I am not excited. तुम जानती हो कौन है? गुंडा है, गुंडा है, अपने एरिया का भाई, ब्रदर। एक मिनट, उसने तुम्हें देखा तो नहीं? यहाँ देखा है? उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं? डैड, वो मुझे कैसे पहचानेगा, उसने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। थैंक गॉड, गुड। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरी बेटी, अंडरस्टैंड? रुस्तम, कमे कमे। यस सर। किसी को भी पता नहीं चलने चाहिए मेरी बेटी, यू अंडरस्टैंड? शी माय डॉटर, यू हैव टू बी केयरफुल, केयरफुल, यू अंडरस्टैंड? यू डोंट वरी सर। डोंट पैनिक। ओके सर। काम डाउन, टेक अ डीप ब्रीथ, काम डाउन। भाई तुमको ये हॉस्टल विस्टल में रहने की क्या जरूरत है? ये भाई साहब, ये 12 नंबर किधर है? ये रहा। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तेरे को मालूम है भगवान ने अपन को यही कॉलेज में काय को भेजा है? भगवान ने अपने को तो नहीं बताया। भगवान बोला जा तेरे बाबूजी को जिसने रुलाया ना उससे हिसाब चुकता करने का। सही है भाई, अभी भगवान के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो गया ना, खलास, चले जा सामान ला। भाई एक काम करते अपन, ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लेते, अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये एक टीवी पीछे रख टेबल पे। और भाई ये है ना, ये दीवार तोड़ डालते अपन, सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम आते एकदम बाथटब बिटल सड़े इधर रख। कमरे को देख, चकाचक बना डालेगा। अभी आ रहेंगे फ्रिज में, इधर सोऊंगा मैं, फड़े ले कब? ए सर्किट, एक टेंशन नहीं लेने का, ए चिरकुट इधर बैठ। क्या नाम है तेरा? नागराजन स्वामी।
देख स्वामी, आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ, मेरे अंडरवेयर को छोड़ के। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम? फर्स्ट ईयर? यस। कपड़े उतार, फिर बताता हूँ। देखिए, रैगिंग इज नॉट अलाउड। ए, बिल्कुल अलाउड है यार, कौन बोला देखो अलाउड नहीं है? नो, चल ना। नो, बिल्कुल अलाउड है। ए डॉक्टर लोग, अपना इंट्रोडक्शन दो। I'm Dr. P.P. Ashok. A black and come on, move. Dr. Mahesh Kriplani. No, please, my pen, my pen. ये इसको रैगिंग बोलते क्या? डॉक्टर अनिल दावड़ा। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? डॉक्टर वीरेंद्र कोल के। ये एक मिनट, अपुन को भी करने का है। ये देख। I am Dr. Murli Prasad Sharma. और क्या करूं? बस हो गई रैगिंग। ए डिस्पेंसरी, क्या नाटक है रे? भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। ये स्वामी, तू करना इनकी रैगिंग, अपुन को देखने का। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। This movement is called hyperextension and this is called a flex. Now, a combination of these movements, you can wave out to somebody like that. Okay? Now, the 8 bones in the wrist are... ये ले, चना का। अरे खाना कैल्शियम है, हड्डी के लिए मस्त है। प्लीज, मुझे पढ़ने दीजिए। लाइफ में पहली बार मैं सेकंड आया हूँ। अरे अपुन फर्स्ट आया, काई को बोल, चना खा के, ये ले। Are we clear so far? Any questions? Yes, Mr. Sharma. अपुन ने कल तेरे को एक सवाल पूछा, उसका जवाब तूने नहीं दिया। Please sit down. अरे बोलना यार। बैठ जाना। आदमी अगर मरता रहेगा तो वो साला फॉर्म कैसे भरेगा, और फॉर्म भरते भरते अगर मर गया तो फॉल्ट किसका है? प्लीज गेट आउट। गेट आउट बोले तो? गेट आउट। अरे काय को गेट आउट, टॉप किए लाए, तेरे को फीस भी दिए लाए, अपुन नहीं जाएगा? All right, fine. अगर ये आदमी अभी इस क्लास से बाहर नहीं गया तो इस साल एनाटॉमी का एक भी लेक्चर नहीं होगा। प्लीज मुन्ना, जाओ मुन्ना। ठीक है, अपुन जाता है, तू सिखा इनको। अरे दूसरे का नुकसान काय को करेगा? ए स्वामी, तू समझ के अपुन को सिखा देना। ला चना दे। टेंशन काय को लेता है, ये ले चना, नहीं खाएगा अपुन घर। सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम प्लीज? यू प्लीज सिट डाउन। ए सर्किट, आज तो अपुन ने बजा डाला साला डीन का, कुन्नस में आके बोला गेट आउट, अपुन बोला काय को गेट आउट, फीस नहीं भरे ला क्या? रोने जैसे शक्ल हो गई थी उसकी, साला टकलू। क्यों शोर मचा रहे हो? अरे काय को नहीं मचाएगा, अपने ससुर जी का कॉलेज है, दहेज में मिलने वाला है ना। तुम क्लास में क्यों नहीं हो? वो है ना अपना फादर इन लॉ जे डॉट अस्ताना, क्लास से निकाल दिया, कुन्नस खा के बैठे ला साला, जली ना उसकी, अपुन ने टॉप किया ना। व्हाट नॉनसेंस, जरूर तुमने कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? एक सवाल पूछा, वो बोला क्लास से कट ले। ये दोनों बाप बेटी है ना, एक ही तरह है, इज्जत से कुछ भी बोलो तो। बेटी ने क्या किया? एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था मुंह बंद रखने का, लेकिन बेटी बाप पे गई ना, सब बोल डाला। साला अपने माँ बाप के सामने अपुन की वाट लगा डाली।
एक मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर सुमन। सुमन जी, टेंशन नहीं लेने का, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बोलेगा, अभी अपन चलता है। हाँ सर के, अरे ऐसा रो रहा था ना वो टकलू, अरे अभी तो शुरुआत है, तू आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले नेक से शुरू करते हुए बॉडी के ठीक सेंटर में एक इंसिजन बना। The upper layer of the skin is called epidermis and the lower layer is called hypodermis. Very good. Now you pull the skin. अरे बहुत बास भर रहा है यार। And make an incision on the muscle and you enter the abdominal cavity. अरे हट ना यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे करो, कल से तुम अपने लिए एक अलग से बॉडी ले आना। Pay attention. Before we proceed any further, I want you to observe carefully and make a note of all the organs in the abdominal cavity. कौन है बे? तेरा बाप है बे। भाई, कैसा है भाई? देख, अपुन को एक बॉडी चाहिए। बॉडी? अरे किसका बॉडी भाई? अरे वो जो यहाँ इधर ऑपरेशन सिखाते हैं ना काट के, वैसा बॉडी। अरे भाई ये कहाँ मिलेगा ये बॉडी? अरे मेरे को क्या मालूम, कहीं से भी लेके आ। भाई तू टेंशन मत ले, तू पढ़ाई में ध्यान दे, बॉडी का जो लेना मैं करता है ना, टेंशन क्या इसमें। भाई बॉडी मिल गई भाई, इम्पोर्टेड बॉडी चलेगी ना? हाँ चलेगा ना, जल्दी लेके आ। दस दस मिनट में आ भाई, दस मिनट में। बुट क्या गोनी लेके आ रहे? ला भाई। ए चिली चिकन, एम्बुलेंस की फोटो निकालने का क्या? फाइव स्टार एकदम। नो आई वांट रियल इंडिया, पुअर पीपल, हंग्री पीपल। अब पुअर हंग्री पीपल एम्बुलेंस के अंदर। घड़ी करके डालू क्या? इतने हाइट क्या? व्हाट? हाउ लॉन्ग? ओ 5-6। हे फूड खिला रे बा, ला भाई। चल मेरे साथ इनोजी ताजमहल। क्या शो यू भुक्का इंडियन, वेरी भुक्का। चल अंदर। तेरी माँ का। अरे हट रे, डिस्पेंसर हटना। आली पीली, ले सीधा कर भाई। वहां देखा बॉडी ला ला, रख इधर, रख इधर, रख इधर। चल निकाल बुर्का, बहुत मेंढक है सर। ताजा वाले भाई, कहां से मिला ये यार? वो जैसा फोन किया ना, उधर ही बाहर से उठाया। ए क्या अरे भाई भूत। यू अरे अपुन क्या करेगा, एक बॉडी को 50 जन घेर के खड़े ले तो घंटा देखने को मिलेगा? 4 दिन से अपुन उंगली देख रहा है, टांग में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं। अपुन को ना एक फुल टूस डॉक्टर बनने का है, स्पेशलिस्ट ने के गले के डॉक्टर को मालूम नहीं के घुटने में क्या चल रहा है। अरे इसी ने तो बोला ना खुद की बॉडी लेके आने को। अलग से बॉडी चाहिए, दे दो ना, सीखना चाहता है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? गुड, थैंक यू, वेरी गुड। स्कैल्पेल, गुड, कम प्लीज, प्लीज। निकाल के दिखाओ, हार्ट, किडनीज, लंग्स, इंटेस्टाइन। कम, चाकू नहीं है, होल्ड इट, पेन, लाइक अ पेन, पेन, कम। Take your time.
उसे एडमिट कर देना और उसे कह देना कि उसका फॉर्म मैंने भर दिया है। भाई को होश आ गया भाई। चल भाई, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, वो कल रात को खाना नहीं खाया ना, और सुबह वो 8 बजे डीन का क्लास, नाश्ता भी नहीं किया, और वो डाइसेक्शन रूम में वो मार्बल का फ्लोर है ना, उस पे पानी पड़ा रहता है, कोई साफ भी नहीं करता, बहुत डेंजरस है यार सुमन जी। होता है, आराम करो। अब कैसे हो? अपुन ठीक है आंटी, हीरो कैसा है? कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, दूसरी बार खुदकुशी करने की कोशिश की, कुछ बताता भी नहीं है। आंटी टेंशन नहीं लेने का, कहां हीरो? ए, तेरी माँ तेरे सामने रो रही है, तेरे को शर्म नहीं आती? उसे कुछ मत बोलो। अरे कह को नहीं बोलो, मरने का है ना तो एक बार मर, खत्म कर, ये नींद की गोली से कुछ नहीं होता, सब नाटक है। एक चाकू ले, अपने गर्दन पे लगा और फिरा डाल, और तब तक अपने आप पे तरस नहीं खाने का, समझा? मैं अपने आप पे तरस नहीं खा रहा हूँ। मुरली लेट जाओ। एक मिनट सुमन जी, ये आजकल के छोकरे है ना, एक पैसे का जिगर नहीं है, तुम ही ने खराब करके रखी ला आंटी, एक आंसू नहीं टपका के पल्लू से पहुंचने चले, थोड़ा टफ होने देने का ना। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए आप, आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? एग्जाम में फेल हुआ है, लड़की छोड़ के गई क्या? पैसे के बांधे हैं, लड़की लड़की छोड़ के गई। हाँ ये सर्किट ये देख, ऐसे रोतलू से कौन शादी करेगा, 6 महीने के प्यार में मरने चला था साला। ए, तेरी माँ तेरे को बचपन से प्यार करती है ना, उसके लिए जी नहीं सकता तू? शट अप, तुमको क्या मालूम प्यार क्या होता है? तू सच बोलता है, अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है, लुक्खागिरी करके अपना टाइम पास होता है, बीड़ी पान चाय मिलता है, बस अपुन खुश। ये प्यार का लफड़ा लोचा काई को? काई को? अरे काई को रे, फिर बोले तो एक दिन अपुन के मोहल्ले में हे माई। साला अपुन का खोपड़ी चक्कर खा गया, ट्रक के साथ दिल साला टक्कर खा गया। चाइला क्या सूरत थी वो, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ जुल्फे क्या जुल्फे थी, चल दी थी एकदम हवा के माफे, आंखें ऐसी के रुका दे ट्रैफिक। अपुन सोचा अपुन का बेड़ा पार हो गया, बोले तो बाप साला अपुन को भी प्यार हो गया। दिन भर अपुन उसकी खिड़की के नीचू, कोई लफड़ा नहीं कुछ नहीं, 3 दिन ना अजीज से रड़ा ना उस्मान से पंगा, बस चुपचाप। पहली बार लड़की देखी और सीटी नहीं मारी, आग मिल भी जाती तो, तो क्या आग नहीं मारी। अपन का बीड़ू लोग साला डर गया, बोला क्या भी मुन्ना साला तू भी सुधर गया। फिर एक दिन उसको देख के कल्लन बोला, ए मुन्ना भाई वो देख के कयामत चले लिए बाप। अपुन का खोपड़ी संका,
कल्लन को पकड़ा और बोला, इधर आ सारे, तेरे को कयामत दिखाता हूँ। साले को इतना धोया अभी तक खोखला वाकड़ा है, और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है। समझा? समझा क्या? फिर हेमा का क्या हुआ? फिर एक दिन वो अपन को देख के हंसी, अपन बोला बाप हंसी तो फंसी, लगता है वो भी अपन पे फिदा हो गई। दो दिन के बाद उसकी शादी हो गई। अपुन के सामने वो घर से विदा हो गई, उसकी डोली उठी, अपुन उधर ही खड़ा था, लेकिन वो अपुन को नहीं देखी। वो रात अपुन 2 बजे तक पिया, वो रात अपुन 2 बजे तक पिया। साला एक सपना देखा था, लेकिन माँ कसम एक आंसू नहीं रोया। काय को रोएगा, काय को रोएगा, साला अपुन ही जेड़ा था ना। अगले दिन वही पहले के माफिक लाइफ चालू, वही गंदे ग्लास में चाय, वही पान बीड़ी। आजीज को इतना मारा, रोज समझे वो मरेगा। भूलने का है, पर क्या करेगा। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। अपना खोपड़ी फिर चक्कर खा गया, दिल ट्रक के साथ फिर टक्कर खा गया। चापा चाइला क्या जरूरत थी, आखे सीखे। ए मुन्ना भाई, तेरे दिल का ट्रैफिक फिर से रुका गया। इतने दिनों बाद कल पहली बार उसके चेहरे पे हंसी देखी। आई थिंक ही विल बी फाइन। थैंक यू। उसमें क्या है, ठीक है ना? मुरली, तुम सबको इतना तंग क्यों करते हो? लगता है तुम यहाँ पढ़ाई करने नहीं, सबको परेशान करने आए हो। सबको नहीं, खाली वो अस्ताना को, वो और उसकी बेटी ना। क्या बोलने का जान लो। चिंकी ने कुछ नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं था। तुम चिंकी को जानती हो? ऑफ कोर्स, मेरी अच्छी दोस्त है। उसका कसूर नहीं था, उसके डैड को घर की बाई ने बताया। वो क्या करती? तब बीच मैं सोच रहा हूँ, इतना समझा के बोला, अपने बचपन की फ्रेंड ऐसा कैसे करेगी। सुमन जी एक बात बोलो ना, बोले तो वो चिंकी लगती कैसी है? क्यों, बचपन में मस्त मोटू, अभी भी? बिल्कुल नहीं, मैंने उसके बचपन का फोटोग्राफ देखा है, इतनी भी मोटी नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप, एक बार मेरे साथ झाड़ पे चढ़ी, साली डाली टूट गई। अभी कैसी है? बोले तो दिखती कैसी है? ठीक ही दिखती है। आप जैसी है, आपसे थोड़ा कम। मुझसे भी अच्छी दिखती है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुमन जी, आप उनको चिंकी से मिलने का है? डॉक्टर अस्थाना उसे जान से मार देंगे। उसकी माँ का, सॉरी यार, सीक्रेट में मिलते हैं ना, तुम उसकी फ्रेंड हो ना, हेल्प करो ना। क्यों? बोले तो। पर क्यों? ओ ठीक है, अगर तुम किसी प्रोफेसर को तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें चिंकी से मिलाऊंगी। पक्का? फुल प्रूफ? हाँ सोचूंगी। अभी से जरा
ध्यान से देखें, ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। His senses are all dead. ये जिंदा तो है, फिर भी जिंदा नहीं है। Now see, if you observe closely, मैं जब इनकी आंखों में रोशनी डालता हूं, पुतलियां सिकुड़ रही हैं, लेकिन सब्जेक्ट पलक तक नहीं झपकता। ए बॉस, ए हेलो, ए टॉर्च बंद करना। क्यों? अरे लाइट पड़ता है, तकलीफ होगी ना। अरे तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। सब्जेक्ट बोले तो नाम नहीं क्या? आनंद, आनंद बैनर्जी है इनका नाम। अरे इतना बुजुर्ग आदमी है, थोड़ी इज्जत से तो बात कर। अरे क्यों इमोशनल हो रहे हो है? अरे मैं कह रहा हूं ना, हम यहां जो भी बातें कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचती। रिलैक्स, सिट डाउन, सिट डाउन। देखिए, आपके मेडिकल करियर में ऐसे सवाल आपके सामने कई बार आएंगे। अब आप ही बताइए, एक ऐसा इंसान जो कभी नींद से जाग ही नहीं सकता, क्या उसे दवाई देकर जिंदा रखना ठीक होगा? वो भी अपने जैसे देश में जहां हॉस्पिटल्स की इतनी कमी है, वहां पिछले 12 साल से सब्जेक्ट ने एक बेड ऑक्यूपाई कर रखा है। तेरी माँ की आंख, तेरे को बेड की पड़ी है, तेरे को कैसे मालूम कि जागने की उम्मीद नहीं है? हाँ, अरे क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तू भगवान तो नहीं ना? क्या तू इनके भेजे में घुसा था? दू क्या एक रख के? इल्तकवास। तेरे को जो भी बोलने का बोल। चलो आनंद भाई, क्या क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो उसे? आनंद भाई बुरा नहीं मानेगा, 2-2.5 किताब पढ़ के ये साले डॉक्टर लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। तुमको कोई टेंशन दिया ना तो आप उनको बोलने का। बहुत टाइम होता है भाई, तुम बोर नहीं हुआ क्या? ए डॉक्टर, हेडफोन देना। ए आनंद भाई, ए आनंद भाई सुनना, तेरा दिल क्या मस्त धक धक कर रहा है, ये लो सुनो। आनंद भाई तुम एकदम 100% जिंदा है, कोई कुछ भी बोले ना तो उसको अपनी दिल की आवाज सुना देना, ओके? सर्किट एक काम कर। हाँ बस, इधर रुका। ये गब्बर क्या पलंग पे चादर की तरह फैले ला है, चलो निकाल पलंग। ऐसा देरी टुक द सब्जेक्ट आउट ऑफ द क्लास, और तुमने कुछ नहीं किया? क्या करता, लड़ता उससे? सर उसने मेरा गला दबाया था, आई कुड हैव डाइड। एंड दैट टपोरी लैंग्वेज इन द क्लासरूम, बोले तो अपुन की खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाप। व्हाट इज दिस, इज दिस सम ब्लडी कंट्री बॉय? एंड सर आपको मालूम है वो हम सबको कौन सा नाम से बुलाता है? मामू। ए मामू, चलना हटना ए, चल मामू बाजू हट। सर हम सब चाहते हैं कि आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर दें। यस सर। वन सेक, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्या कह के निकालेंगे उसे? वो सवाल पूछता है इसलिए, या उसकी जबान साफ नहीं है इसलिए निकालेंगे? वो प्री मेडिकल एग्जाम में फर्स्ट आया है, एंड वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू रेस्ट्रिक्ट हिम। बाजो, ए झाड़ू कटका। अरे सफारी तो डटना, अंकल क्या गार्डन में गया? चलना हो सीढ़ी संभालो थकेले। Sit. There's only one way out, as I see it. Rustam? Yes, sir? इस टर्म का पेपर तुम सेट करो। You set the toughest paper in the history of this institution. Sure, sir. वो फेल होगा, अगले दिन उसके हाथ में उसका लीविंग सर्टिफिकेट होगा एंड इज आउट। Very good, sir. सर मुन्ना बेड लेके आया सर। व्हाट, कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू माइंड योर लैंग्वेज, लेके आया मतलब क्या? लेकर आया है। सुबह हो गई बाबू बाबू बाबू, सुबह हो गई बाबू बाबू रे मामू। अनुभव टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना भाई को बोलने का। बाय बाय फादर इन लॉ। क्या मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? नहीं।
अच्छा अच्छा पूछ। What the hell are you up to now? तुम्हारा ये डॉक्टर बोला कि आनंद भाई का बेड किसी दूसरे मरीज के काम आ सकता है, तो अपने बेड खाली कर दिया। हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तेरे सोने के लिए नहीं है रे मामू। आनंद भाई ये तुम्हारा पर्सनल बेड है, आराम से सोने का। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलता है आनंद भाई, मस्त रहने का एकदम। I want this bed removed right now. ये संभाल के काटने का, 12 साल से उसरा नहीं लगेला है। आनंद भाई एकदम चिकना होने का, बाहर सनलाइट में जाने का, बोले तो विटामिन डी मिलता है क्या? वो टोंडा सबको बोलते फिर लगे मुन्ना भाई से काम नहीं होगा अभी, आप उनको बोलने का काम के लिए। अभी मैं पढ़ाई करूं या तेरा काम देखूं यार? सुन, ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए लाए, याद भी नहीं रहता। तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। ओहिला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे कि कभी बोलना मेरे को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं हो? अरे जो भी देखो तो क्लास से निकाल देता है साला। देखो सारे डॉक्टर्स तुमसे नाराज हैं, तुम प्लीज पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। भाई ओ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुरली मुरली तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो आनंद भाई, सब नर्सेस की वाट लगने वाली है। ए इधर आओ इधर आओ। ए देखो आनंद भाई क्या लग रहा है। ए आनंद भाई घूमने चलते हैं। ये सबकी हाथ देना। अरे वाह। ए आनंद भाई तुम मुझे देखो ना। आनंद भाई क्या मस्त शक्ल दाढ़ी के लिए तुम्हारा बाप बाहर दिख रहा है आनंद भाई। ये फिल्म देखने जाने का क्या आनंद भाई? मुरली ये क्या तमाशा है, तुम प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर तुम फेल हो गए तो वो तुम्हें निकाल देंगे। अच्छा देखो तुम पढ़ाई करो, एग्जाम में पास हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चिंकी से जरूर मिलाऊंगी। पास तो अपुन हो ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं है अपुन को। कोई ना जाने जीवन का मतलब क्या है, बस तू इतना सोच के तेरा मकसद क्या है, कुछ करने की अब है ठानी। अरे रोक के दिखा रहा मामू। सुबह हो गई मामू, बहुत डिफिकल्ट पेपर है मामू। सुबह हो गई मामू मामू रे मामू, चंदा मामा सो गए। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल लिखा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी इंड्यूसेस। घड़ी के कांटे भागे। फिर से बोल। स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी। अरे एक मिनट तो मैं चुप रह सो, विल यू प्लीज साइलेंस, आई कांट कॉन्सेंट्रेट यार प्लीज। स्पाइनल SPINAL कॉर्ड CORD। खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू। हो गया सर, बहुत डिफिकल्ट था। बेस्ट ऑफ लक। दिस बॉय इज अ जीनियस। अब इस कॉलेज से ऐसे डॉक्टर पास होंगे जो अपने पेशेंट से कहेंगे मामू लेट जा, तेरी तो वाट लग गई है। रुस्तम आई वांट नो उसने टॉप कैसे किया। हाउ वुड आई नो सर? या हाउ वुड यू नो? सर आपने मुरली प्रसाद शर्मा को बुलाया था। सिनेमा सिनेमा कम इन। सो मिस्टर शर्मा You have topped again. बोले तो वो अपने प्रोफेसर लोग मत सिखाते ना। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या साबित करना चाहते हो? पूछना पूछना। तुम समझते क्या अपने आप को? मैं जानता हूं कि तुम चीट करके पास हुए हो, कैसे मुझे पता नहीं, बट आई विल फाइंड आउट मिस्टर। तेरे को लगता है अपुन ने चीटिंग किया? अपुन खुला बोलता है किया, अगली बार भी करेगा, तू जो कर सकता है कर ले। Shut up! इस ऑफिस में आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे।
यू, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं। मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल सकता हूं। भूल गए तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैंने कैसे निकाला था? कैसे भूल सकता हूं रे? सब कुछ याद है। मेरा बाप मेरे सामने रुक ही गया। अब तू देख अपुन तेरे कॉलेज में रहकर तेरी वाट कैसे लगाता है। डॉक्टर भी बनेगा, तेरी बेटी से शादी भी करेगा। ये मुन्ना का चैलेंज है, तुझे जो करना है वो कर ले। मैं उसकी वाट लगा दूंगा। What am I saying? सुमन जी, अपुन वापस एग्जाम में टॉप किया। मुरली, आई एम बिजी। टेंशन नहीं लेने का, अपुन इधर ही वेट करता है। 3-4 दिन बाद ये टेस्ट करवा लेना। थैंक यू डॉक्टर। मुरली, तुम भी ना। सुमन जी, अपुन वापस टॉप किया ना? हाँ, सुना मैंने। कांग्रेचुलेशन। चिंकी को बोलो ना अपुन से मिले। वो तुमसे नहीं मिल सकती। अरे ये बहुत गलत है सुमन जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। शी इज स्कैर्ड मुन्ना, वो तुमसे मिलना चाहती है, पर तुम जानते हो कि डॉक्टर अस्थाना तुमसे कितना नाराज है। क्या दुखी आत्मा है साला, एक नंबर का रोतलू है। कोई साला उसको झप्पी क्यों नहीं देता? झप्पी बोले तो कस के गले लगाने का। अपुन की माँ उसको जादू की झप्पी बोलती है। सब टेंशन खलास। ए, रुक जा, दिखता नहीं गीला है? एक जाएगी तो अभी दूसरी आएगी। 25 टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है। हम इंसान है कि मशीन? कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा, दिन भर झाड़ू मारता रहूंगा। सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा। सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा? 20 साल से तो सुनता आया है। काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों, कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। नहीं, कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। सच्ची तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है ना तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम साला सबका कचर पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद भाई। थैंक यू मकसूद भाई। बस रुलाएगा क्या? काम करने दे जा। सॉरी। कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा सब। चिंकी को बोलना अपने बाप को एक जादू की झप्पी दे, मस्के की तरह पिघल जाएगा। सुमन जी सच बोल रहा हूं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कॉल करने वाला हूं दुबई। दुबई किसे? अब्बास भाई को। वो मुन्ना को कहां गायब कर देगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। डैड, व्हाट आर यू सेइंग? कौन अब्बास भाई? मेरे पेशेंट थे, दुबई से हर्निया का ऑपरेशन करवाने थे। यू नो व्हाट ही सेड टू मी? ही सेड अस्थाना भाई, ये हर्निया मुझ पे उधार रहा, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अब्बास भाई को याद करना। दीज आर मैन ऑफ ऑनर, दीज आर मैन ऑफ ऑनर। डैड, डैड, आपको ऐसी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। हेलो हेलो चिंकी, मुन्ना बोल रहा है। वो तेरा डॉक्टर सुमन से बात हुआ कि नहीं? अरे वो तेरी फ्रेंड है ना डॉक्टर सुमन, अपुन की भी फ्रेंड है। अपुन ने मैसेज भेजा था उसके साथ, बात हुई कि नहीं? कौन सी बात? अरे अपने बाप को झप्पी देने के लिए। मामू का मूड कुछ सुधरा कि नहीं? मामू, ही कॉल्ड मी मामू। मुन्ना क्या बात है? अपुन वापस टॉप किया। ये साला टॉप करने की आदत हो गई अपुन को। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों तंग कर रहे हो? बोले तो तूने बोला था ना सुमन को कि अगर अपुन पास हो गया तो तू अपुन से मिलेगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ए चिंकी, ये रॉन्ग है, तूने प्रॉमिस किया था ना। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं क्लब किनो में 10 o'clock, ओके? माय ओन डॉटर, मिल ले जाओगी इसे? आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मुन्ना हमें कभी तंग नहीं करेगा, ओके? ट्रस्ट मी डैड। 1, 2, 3, 4.
हाय, तू भाभी को पहचानेगा कैसे? अरे बचपन की फ्रेंड है, पहचान लेगा। भाभी मिल गई इधर ऊपर हवा में आओ। मस्त है नहीं? मुन्ना माय बेबी, सो स्वीट। वाओ, यू आर लुकिंग सो गुड। हे, मुझे पहचाना नहीं? तुम्हारे बचपन की दोस्त चिंकी। हेलो भाई, ये तो भाभी है। नमस्ते भाभी जी, आप सर्किट सर्किट एज इन लाइक फ्यूज सर्किट। ओह माय गॉड, हे चिंकी, हाउ आर यू डूइंग? एंडी, हाय। हे, दैट्स आवर नंबर, वी गॉट टू हिट द फ्लोर। ऑलराइट, लेट्स गो। ये माँ का ये बाल की दुकान को दूं क्या टोचन? नहीं नहीं है। Hey dude, man. वो लड़का कौन था? Andy, मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड बोले तो? बॉयफ्रेंड बोले तो बॉयफ्रेंड। क्यों? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? Oh, so sweet. देखो डार्लिंग, life is very short, so you have to have fun. तुम सैटरडे को क्या कर रहे हो? Andy is going to New York, so let's meet up. Bolito. Sirf main aur tum akele. Chinki, tu bahut change ho gayi re. Oh God, you had to see his halat, yeah. It was too funny. Hey Chinki, tu bahut change ho gayi re. उसे शक तो नहीं हुआ ना? शक, I don't know about शक, लेकिन शॉक जरूर हुआ। डैड, I'm sorry, मुझे रहा नहीं गया, I had to hear it. What did he say, boyfriend? Boyfriend बोले तो। और मैं इतना परेशान था, and you did a fantastic job, really, well done. अब तो आप खुश है ना डैड? खुश, I'm very happy. लेकिन boyfriend बोले तो। बस, अब हो गया ना? बेचारा। नहीं, किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं लेकिन बॉयफ्रेंड बोले तो। कितनी मस्ती छूटी थी तभी, अखा मेमोरी का वाट लगा दिया। टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है मुरली। अरे पन कितना, कैसे चिपक कर नाच रही थी वो छोकरे लोग के साथ। उसका ड्रेस देखा, पिछू से अखा खुला। थोड़ा डिसेंसी मांगता है ना। अभी तुम डॉक्टर है, तुम कितना डिसेंट है, कितना रिस्पेक्ट आता है तुम्हारे लिए। अब वो जैसी है वैसी है, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे भूल जाओ। एक बात और कहूं, डॉक्टर अस्थाना को भी भूल जाओ। इस लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तुम कितना सुलझा हुआ बात करता है। अपुन जब भी तुमको देखता था ना, तो ऐसा लगता था कि चिंकी तुम्हारी तरह होगी। तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं तो भी टेंशन नहीं। तुम्हारे बात करने का स्टाइल, शांति से, समझदारी से, तुम्हारा वो फ्रेंडली स्माइल, और वो। पर मैं चिंकी नहीं हूं मुरली। काइको, तुम चिंकी क्यों नहीं हो? अपुन चिंकी को कभी नहीं देखा था, जब भी सोचता था तुम्हारा फोटो माइंड में आता था। ऐसी होगी अपनी चिंकी, साला अपुन के माइंड में वही फोटो चिपक गए। ये स्माइल, क्या 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 कहा तुमने? क्या सुना तुमने मुरली? तुमने अभी कुछ कहा या नहीं? नहीं, मुझे लगा मैंने कुछ सुना। वो सुनी आनंद भाई, अपुन ने साला लिप भी नहीं हिलाया, खाली मन के अंदर सोच रहा था उसके बारे में। अपुन 100% श्योर है उसने अपनी आवाज सुनी। ऐसा होता है क्या आनंद भाई? आनंद भाई बोलते हैं कि लव में ऐसा ही होता है। वो सर्किट भी बोलता है कि अगर फीलिंग स्ट्रांग है ना
तो बिना फोन के चेंबूर तक बात कर सकते हैं। ए आनंद भाई, अरे कोई सिग्नल दो ना आनंद भाई, बोलो ना, अपन को कहीं लव शव तो नहीं हो गया आनंद भाई? करेक्ट, ऐसे ही लगता है अपन लव में पड़ने वाले हैं। ए ए आनंद भाई, ए डॉक्टर इधर आ। आनंद भाई है ना, अपुन से बात किया, अपुन की बात भी सुना, आपसे इशारा किया, माँ कसम अभी अपुन के सामने, ये देखना, ये आनंद भाई वापस इशारा करो ना, देखो सब देख रहे हैं, ये आनंद भाई। मिस्टर शर्मा, पिछले 12 साल में उन्होंने कभी अपनी पलक नहीं झपकी। तू चुप रहे आनंद भाई, प्लीज, अपुन जानता है तुम सब सुनता है, एक बार ट्राई करो ना, पलक झपको ना आनंद भाई, ट्राई करो ना, सिग्नल दो ना, दिखा दो इन सबको, आज झपको ना आनंद भाई, आनंद भाई सिग्नल दो ना, आनंद भाई प्लीज। ओके एवरीवन, लेट्स गेट बैक टू वर्क, आप बैठे रहिए, अपने सिग्नल का इंतजार कीजिए, चलो काम। आनंद भाई, मुरली तुम फिर से? सुमन जी, अपुन ऐसा मजाक करेगा क्या? माँ कसम, आनंद भाई ने अपनी आवाज सुनी, आग झपक के जवाब भी दिया उन्होंने। मुरली, आनंद नहीं सुन सकता, आवाज उनके कानों पर गिरती जरूर है, मगर ब्रेन तक नहीं पहुंचती। अरे ब्रेन तक नहीं पहुंचती तो कहां जाती है? अपुन बोलता है सीधा इधर दिल में जाती है, आपको यकीन नहीं आता तो कोई वादा नहीं, लेकिन सुमन जी, अगर दो लोगों में कनेक्शन होना, फीलिंग्स होना, तो दिल की आवाज दिल से सुन सकते हैं। मुरली तुम भी ना। सुमन जी, उनकी आवाज तुम तक पहुंच रही है ना? माइक टेस्टिंग, 1 2 3। सुमन जी अपुन को तुमसे लव हो गया है। मैं डॉक्टर देसाई का लड़के से मिला, ही इज आल्सो अ डॉक्टर न्यूरोसर्जन, वेरी गुड लुकिंग, गुड लुकिंग फेलो, मैं चाहता हूं तुम मिलो उसे एक बार। लेकिन कौन बचा है हमसे जो तू बच पाएगा, भाग सके तो भाग, अपुन पीछे आएगा, दिल पे तेरे दस्तक दी है, अरे दरवाजा खोल ना मामू। Yes? तेरे लिए लाया। मेरे लिए? वो क्या है आज ना, अपन दिल से तेरे को सॉरी बोलने को मांगता है। कम इन। अरे नहीं, अंदर चिंकी है ना, 2 मिनट जरा गार्डन में बैठ सकते हैं। Why not you? Come. देख बॉस, अपुन ने तेरे को बहुत टेंशन दिया, वार्ड भी लगाया तेरा, लेकिन अभी बस आज अपुन अपने दिल से तेरे को सॉरी बोलने को आया है। नहीं मुन्ना, गलती मेरी थी, गलती में। तुम डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ? यू आर अ जेम, जेम। मैं चाहता हूं कि तुम चिंकी से मिलो। एक मिनट, चिंकी। अपुन चिंकी से मिल चुका है। रियली? रास्कल। कैसी लगी चिंकी? सच बोले तो हाथ से निकल गई छोकरी, बिना माँ की लड़की अपुन जानता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। यू आर राइट, पर तुमसे शादी करके उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा नहीं? सॉरी बॉस, अपुन ने बहुत सोचा, तुम्हारी इज्जत का फालूदा करने के लिए अपुन अपनी लाइफ का फालूदा नहीं कर सकता। शादी करने के लिए लव तो होना मांगता है ना। That's true. बोले तो आप उनको भी किसी से ट्रू लव हो गए ले। How sweet. I hope कि चिंकी का दिल नहीं टूट जाए। तुम खुद ही उसे क्यों नहीं बता देते? चिंकी! अरे! आप उसको बाद में बोल देना प्लीज। ओके, बेचारी चिंकी।
पर मैं आज बहुत खुश हूं मुन्ना, तुम्हारे लिए रियली। जाओ मुन्ना जाओ अपने रास्ते पे, जाओ अपने दिल के रास्ते पे, खुश रहो। अपुन तुमको गलत समझा, बहुत सॉलिड आदमी है। सॉलिड? क्या मैं पूछ सकता हूँ खुश नसीब लड़की कौन है? पूछना। ब्लशिंग ऑल स्वीट शाय, कौन है वो लड़की? बोले तो, लेकिन किसी को बोलने का नहीं है। वो डॉक्टर सुमन है ना, उसी के साथ अपुन शादी करेगा। सुमन जी अब मैंने क्या किया? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या कहा तुमने डैड से? किसके डैड से? चिंकी के डैड से, डॉक्टर अस्थाना से। अल्लाह, वो साले का मुंह बंद ही नहीं रहता। तुम्हारा रहता है? क्या जरूरत थी उनसे कहने की? करेक्ट, अपुन को चिंकी के बाप से बात नहीं करना चाहिए था, अपुन को तुम्हारे बाप से, डैडी से बात करना चाहिए था। नहीं, तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। करेक्ट, लव तुमसे किया तो पहले तुमसे बात करना चाहिए था। बोले तो क्या करेगा, हो गया ना। तो क्या, तो तुम्हारा फीलिंग क्या है अपुन के लिए? मेरा कोई फीलिंग नहीं है। तुम मुझे पसंद हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जिसे चाहोगे खुश रखोगे। अपुन को सिर्फ तुमको खुश रखने का है। सुमन जी, जब तुम स्माइल करता है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या मस्त लाइफ है। पूरी लाइफ अपुन को सिर्फ तुमको स्माइल करते देखने का है। तो क्या, शादी करो ना अपुन के साथ। मुरली, सुमन जी सुनो ना, स्ट्रेट जवाब दो ना, अगर तुमको अपुन के साथ शादी नहीं करने का है तो बोल दो, अपुन चला जाएगा यहाँ से। हेलो डॉक्टर। हेलो जहीर। मुरली तुम जाओ। सुमन जी, तुमको 100% कोई फीलिंग नहीं अपुन के लिए। मुरली मैं पेशेंट के साथ हूँ। हाँ तो फिनिश करो ना, अपुन फाइनल आंसर लिए बिना नहीं जाएगा। बॉस, अगर अपुन यहाँ रुका तो कोई प्रॉब्लम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने सब टेस्ट करवा लिए? जी डॉक्टर। गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी देखती हूँ। क्या हुआ तेरे को, बोलना, अपुन भी डॉक्टर है। कुछ दिनों से पेट में तकलीफ थी। हाँ। एक दो दिन पहले उल्टी हुई, उसमें कुछ ब्लड निकला, सोचा चेकअप करा लूं। क्लियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। बाहर खाना खाया क्या? रोज बाहर ही खाता हूँ। क्यों, फैमिली किधर है? नागपुर में। शादी की? तेरे को डॉक्टर की नहीं, बीवी की जरूरत है, जो तेरे को खाना पका के खिलाए और तेरे कपड़े भी साफ करे। अरे ये क्या हुआ, ये शर्ट तो गया। जहीर, तुम्हारे परिवार से कोई आ सकता है? क्यों डॉक्टर, क्या है रिपोर्ट में? तुम्हें यहाँ कुछ महीने पहले आना चाहिए था। देखो जहीर, बैठो, बैठ जाओ। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा जहीर, आई थिंक तुम्हें स्टमक कैंसर है। जहीर तुम अभी एडमिट हो जाओ। मेरी 2 बजे की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओके, तो कल सुबह एडमिट हो जाओ। ये आपने कहा था कि मुझे पहले आना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है, अभी लेट हो गया है? नहीं नहीं, हम कल से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो फिर आपने क्यों कहा कि मुझे पहले आना चाहिए था? कितना टाइम है मेरे पास? देखिए मुझसे कुछ छुपाइएगा नहीं, सच सब बताइए, बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। देखो जहीर, तुम आज अपनी मीटिंग अटेंड करो और शाम तक सारे काम खत्म कर लो। सारे काम खत्म कर लो आधे दिन में? फ्लैट खरीदना है, सेटल होना है, सब हो जाएगा आधे दिन में?
पे लेके जाना है, बहन की शादी करानी है, सब हो जाएगा आधे दिन में। देखो जहीर, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा क्या चाहता है ये तो जाहिर है, आधे दिन की जिंदगी दी है मुझे। जहीर मेरे साथ ही होना था। एक बात बताइए डॉक्टर, मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, फिर मुझे ही क्यों? मेरे सारे दोस्त जाते हैं वहां बार में, लड़कियों का डांस देखते हैं, शराब पीते हैं, मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। सोचा पहले कुछ बन जाऊं, मां को यहां बुला लूं, जिम्मेदारियां निभा लूं, फिर जीऊंगा एक दिन अपने लिए। सोचा था अभी तो सारी जिंदगी पड़ी। कितना टाइम है उसके पास? बहुत कम। तो झप्पी लगाने का था ना? क्या मुरली? अरे गले लगाने का था, जरूरत है ना उसको? ऐसा नहीं होता। जहीर भाई, ओ जहीर भाई, जहीर भाई टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा। छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा, छोड़िए मुझे। टेंशन नहीं लेने का जहीर भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं? छोड़िए जहीर भाई, ठीक हो जाएगा सब। क्यों परेशान कर रहे हैं? छोड़िए, कहां ना आ रहा हूं कल, आ रहा हूं ना कल। सर्किट, जब कोई मरता है तो क्या होता है? भाई कौन मरा ना उस पर डिपेंड करता है। तेरे को कभी ऐसा लगा तू मरने वाला है? वो नहीं क्या, वो शकी लेड़ा, वो साला मेरे पीछे तलवार लेके भागा था ना भाई, उस टाइम तो मेरे को लगा मैं गया। अरे ऐसा नहीं यार, देख तेरे को मालूम है तू मरने वाला है, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ कैलेंडर को देखने का, फिर घड़ी को, फिर वह घड़ी का काटा है ना टाइम बॉम्ब की तरह चलता है साला, सब खलास। जिंदगी में जो सोचा देखा सुना सबका दी एंड। अब उनकी मां बोलने की, जब इंसान मरता है ना ऊपर जाके तारा बन जाता है। ओ देख वो मेरा बाप, मेरे को बहुत मारता था वो। वो चाचू अच्छा था। और वो भाई मां नहीं दिखती है यार, मुंबई में बहुत पॉल्यूशन है भाई। सर्किट उस दिन में से सामान उठा लिया यार। काहे को भाई? साला बहुत डॉक्टर का नाटक कर लिया, अब धंधे पे चलते हैं। ए भाई यार तो ऐसा मत बोल यार। देख अपुन उधर चिंकी के लिए गया था, देखा ना तू? देखा ना साला, वो डॉक्टर सुमन को भी इंटरेस्ट नहीं अपुन में, क्या फायदा है डॉक्टर बन के? अपुन तेरे को बहुत अच्छी तरह जानता है, इधर इधर बात कुछ और है। 15 साल में पहली बार अपुन को किसी ने लाफा मारा। इसकी माँ की भाई नाम बोल, तू नाम बोल उसका, इधर ही काट के फेंकता उसको। जहीर ये आंटी, व्हाट? जहीर कौन है? वो ये लोग लेके जा रहे हैं अंदर। चलिए आप लोग, कौन है आप लोग? ये चलिए लेके जा इसको, आवाज ना चल लेके जा इसको, चलो उधर चल। ये जहीर तेरा नाम है क्या? हाँ भाई को लाफा तू मारा, कौन हो तुम? हाँ लगे डेरिंग है ना तेरा। ये भाई ने तेरे शर्ट भेजा है, उतना शर्ट खराब था ना उसके लिए। अब तेरे को एक बात बोलेगा,
देख लाइफ में जब टाइम कम रहता है ना डबल जीने का डबल। ये भाई ने मेरे को बोला तूने अभी तक किसी लेडीज को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ एक मिनट प्यार से माहौल बना हर पल में उठा सदियों का मजा जो बीत गया सो बीत गया जो बीतना है वो हंस के बिता। प्यार से माहौल बना हर दर्द की है बस एक दवा जी खोल के जी जी जान से जी कुछ कम ही सही परेशान से जी। देख ले आंखों में आंखें डाल सीख ले हर पल में जीना यार सोच ले जीवन के पल है चार याद रख मरना है एक बार मरने से पहले जीना सीख ले। देख ले आंखों में आंखें डाल सीख ले। खुशियों की थाम के बैया गम की मरोड़ कलैया गम का प्यारे गम मत करना छोड़ दे अब तो हर दिन मरना मरने से पहले जीना सीख ले। हाय देख ले आंखों में आंखें डाल सीख ले हर पल में जीना यार सोच ले जीवन के पल है चार याद रख मरना है एक बार मरने से पहले जीना सीख ले। पागल ये मत सोच के जिंदगी में कितने पल हैं ये देख हर पल में कितनी जिंदगी है। चिक चिक दुम, चिक चिक दुम। Jiggy 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 dum da dum da dum. Jiggy jiggy dum. Jiggy jiggy dum. Jiggy 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 dum da dum da dum. Jiggy jiggy dum. Jiggy jiggy dum. Jiggy 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 dum da dum da dum. भाई टकलू को देख क्या बढ़ के ले रहे जहीर भाई बाकी का डांस ये करेगा तुम्हारे लिए। मैट्रन कौन लाया इस लड़की को? मैट्रन यू कौन लाया इस लड़की को? आई सी तुम एक गुंडे का साथ दे रहे हो मैट्रन शेम ऑन यू। आज तक मैं चुप रहा बहुत बर्दाश्त किया मैंने कई कारण थे मेरे मैं ही जानता हूं और आज मुझे एक मौका मिल रहा है तो तुम लोग उसका साथ दे रहे हो। अब नहीं छोड़ूंगा मैं अब यहां तक आ गया है। यू वॉच आउट अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। नाउ यू वॉच इट। जाने दीजिए सर शांत हो जाइए। यस मेरे लिए किया गया था यू समझ लीजिए कि
ये मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। कमाल का आदमी है मुन्ना यार, वार्ड में कैमरे करवाया, दीन का मुंह देख लेना एक था यार। और तुम लोग को सहीर को देखना था, he was smiling। तू मुझको बता रही है? हॉस्पिटल में सबसे पहले उसने किसको गले लगाया था मालूम है? किसको? मेरे को। पता है क्या, मुझे सर्दी हो गई है, पंकज झप्पी देना। ये ले। जादू की झप्पी। मुझे चंदा स्वामी। आजा आजा स्वामी, यहाँ आजा। ले सूटकेस ले ले, पकड़ इसको उधर पीछे। फ्रिज लास्ट में डालना। हाँ भाई, हाँ उधर बाटली उठाना, बाटली। हाँ भाई, जा रहे हो? ले बाटली अंदर रख। हमारी बात अधूरी रह गई थी। देखो तुमको अपुन के लिए कोई फीलिंग नहीं है, अभी इसके राउंड एंड राउंड जितना भी बोले तो सेंटर में तो बात वही रहेगी ना। जाने से पहले एक काम करोगे? बोलो। कहते हुए अजीब लग रहा है। आजकल अपनी जिंदगी में सब कुछ अजीब ही हो रहा है। कोई बात नहीं, बोलो। कल रात जो लड़की वार्ड में आई थी कौन थी? सॉरी, उसका नाम पता अपुन नहीं बताएगा। वो साला डीन है ना, उसने उसकी बहुत फजीती की, बेचारी अपने कहने से आई थी। जहीर उसे मिलना चाहता है, बहुत खुश है। तुम्हारी येलो शर्ट पहनी है, बहुत क्यूट लग रहा है। थैंक्स। इस हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत है मुन्ना, अगर मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ता है तो ये हॉस्पिटल छोड़ के मत जाओ। भाई सामान लगा दिया, चले वापस हॉस्टल में लगा दे। फिर से एक मिनट, वो डीन, आप जल्दी चलिए। उसे बचाने की कोशिश मत करो मेटन, दिस इज रॉन्ग। कल रात जो हॉस्पिटल में हुआ मैं जानता हूं किसने किया। तुम्हारे पास 10 मिनट है, या तो तुम मुरली प्रसाद शर्मा के खिलाफ रिटन कंप्लेंट लेकर आओ, या फिर अपने अपने रेजिग्नेशंस मेरे टेबल पे रख देना। क्या बॉस, आप उनको लगा अपन की दोस्ती हो गई है, कोई लफड़ा नहीं, तू अभी तक खुन्नस में, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप है मिस्टर शर्मा, हमें अपने कॉलेज में डिसिप्लिन चाहिए, कैबरे नहीं। क्या डिसिप्लिन को पकड़ के रोता रहता है यार, हा? वो जहीर बेचारा मर रहा है, अपन ने उसको थोड़ा स्माइल कराया बस। अरे जान देना इन लोगों को, खत्म करना यार। एग्जैक्टली खत्म कर देते। नाउ दैट यू हैव एक्सेप्टेड, कंग्रेचुलेशंस, ये आपका रस्टिकेशन लेटर, कल तुम और तुम्हारा सामान कॉलेज से बाहर होगा। क्या तेरा बैड लक है यार, अभी 5 मिनट पहले अपुन यहां से कल्टी होने वाला था, लेकिन किसी ने अपना हाथ पकड़ा और बोला यहां से जाने का नहीं, अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले, अपुन यहां से नहीं जाएगा। अगर तुम नहीं गए तो पुलिस तुम्हें कैंपस से बाहर कर देगी। पुलिस? पुलिस आज तक अपुन को अंदर नहीं कर सकी तो बाहर कैसे करेगी? तुम जाओगे मिस्टर शर्मा। वो क्या है, अगर पुलिस अपुन को आगे के दरवाजे से बाहर करेगी ना तो अपुन पिच्छू के दरवाजे से अंदर आ जाएगा, लेकिन अपुन जाएगा नहीं। हा? टेंशन नहीं लेने का, अब तू देख अपुन क्या करता है।
इमरजेंसी केस है, कोई फॉर्म भरो यार। अपन नहीं जाएगा ऐसे, नहीं जाएगा। मुरली, सुमन जी, क्या हुआ मुरली? वो कल रात को डिनर नहीं खाया ना, फिर आज सुबह 8 बजे डीन का क्लास, नाश्ता भी नहीं किया, फिर वो मार्बल का फ्लोर था ना, साला स्लिप हो गया। तुम पागल हो? मालूम है, बिल्कुल पागल हो। वो भी मालूम है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सब क्यों किया? पूछो ना मुरली। वो बोले तो तुमने बोला था ना यहाँ से नहीं जाने का करके, अभी साला आप उनको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ तब तक जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। रुस्तम, उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? सर वो सीरियसली इंजर्ड है, 2 फ्रैक्चर है, 19 स्टिचेस आए हैं, सर टाइम तो लगेगा ही सर। रुस्तम उसे ठीक करो, आई वांट अबाउट वे फास्ट, यू अंडरस्टैंड? आई वांट अबाउट वे फास्ट। यस सर। यू अंडरस्टैंड? यस सर। हेलो अमाई, व्हाट हैपेंड रुस्तम? ओह माय गॉड, अपन फिर जीत गया ना आनंद भाई। अरे तुम सोच समझ के नहीं खेलता है, चलो वापस ट्राई करते, इस बार हारने का नहीं है। ये देखो इधर अपनी चौकड़ी, तुम्हारी मिंडी का लगाऊं? इधर नहीं, इधर, इधर भी नहीं, इधर। उना देखा, मालूम है सबके सामने आग झपकने को बोलो तो कल्टी मारता है आनंद भाई, बहुत चालू चीज है, फंसा के मजा लेता है। क्या आनंद भाई है कि नहीं? देखा नहीं झपका ना? अरे जर भाई एक मिनट, आज रात को तुम फ्री है क्या? हाँ क्यों? बैल्कनी की 2 टिकट है, एक अपन का फ्रेंड है तुम्हारे साथ जाना चाहता है। कौन सा फ्रेंड? देख ले आंख में आंखें डाल देख ले। वो ब्लू शर्ट पहन के जाने का मस्त लगता है तुम पे। मूव मूव प्लीज, केयरफुली, धीरे। सर सर, बिहेव योरसेल्फ प्लीज सर, बिहेव योरसेल्फ रुस्तम, कुछ तो कीजिए सर। कोशिश कर रहे हैं ना, इस उम्र में होता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट रुस्तम। नो सर, ऐसा मत कहिए, अगर कुछ खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, एक हफ्ते से खाना नहीं खाया, जूस पी रहे थे वो भी लेना बंद कर दिया। ओह गॉड, गिव मी योर शुगर टेस्ट एंड स्टार्ट द ग्लूकोज राइट नाउ। यस सर। ए मुंह से खिलाना। ओह शट अप। ना नहीं खा रहे हैं यार। कैसे नहीं खाएगा? सर्किट एक काम कर, ये सर्किट। हाँ भाई। ये देखा? हाँ दिखा दिखा। ये ब्रेक देख। यहाँ बोले ला भाई साले ला। अभी ये देख, ये देख, ये। अरे क्या भाई इतना इजी शॉट नहीं किया यार? तू लेके पता ना। अभी ये शॉट देखा, सॉलिड कटिंग मारता हूँ। ये मेरी गोटी लिया साला। सड़ेला पाउडर भाई, उंगली सटक रही ली। मैं रानी को लेके देखा था। अरे ये रानी हाथ में नहीं आती है, रानी का ही लोचा है भाई। ओ सर भाई, अरे आओ आओ, बहुत खुश लग रहे हैं आप। अरे गई बॉस। किधर थे तुम जहीर भाई? शो तो 12 बजे खालस हो जाता है। ए भाई ये छबड़िंग शॉट देखना। क्या जहीर भाई, रीना कैसी है? उसका नाम रीना नहीं, नंदिनी। अरे पूरी दुनिया को तो रीना बोलती है। भाई तुम्हारी टर्न। हाँ कौन सा मारू बोल? ए भाई रानी ट्राई करना। अरे क्या भाई तुम भी यार। क्या यार, ये जगह क्या? ये गुड शॉट यार। भाई अब तो चैंप हो गया बॉस। आ रहा है ये शॉट देख अभी, ये देख। अरे भाई क्या यार, फिर से मिस हो रही है यार। भाई ये काली वाली देखना, काली वाली। अरे, अरे यार, यार।
अरे पापा सही है। क्या बात है पापा, कैरम रंबानू जूस पीवानू मत जानी लाइफ। ये पापा जूस पियो ना। अरे कोई लिया जूस लेने का, कवर जाना मुश्किल है। पापा जायो, वेरी नाइस शॉट पापा। ए जम्मानु लाओ नी, भूख लगी इतने दिखला। सिस्टर खाना लाओ प्लीज, हरी अप। बाय, आई लव यू पापा। जम्मानु चतवर थैंक यू मुन्ना भाई, थैंक यू कहके लिए। तुम कुछ भी कर सकते हो, यू आर गॉड मुन्ना। अरे अपुन ने कुछ नहीं किया, दिस इज द मिरेकल। हम सब तो हार चुके थे। चल निकला तारी ब्रेक। पापा इस बार रानी अपनी। Ah।
धड़कन धड़कन में भी प्यार तुम्हारा धड़कन की आवाज यूं ढल रही है पायल पहन कर हवा चल रही है छन 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 न छन 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 Now slowly move your wrist. Stretch your fingers. Any pain? नहीं. Very good, very good. Mr. Sharma, everything okay? आपकी तबीयत कैसी है? मस्का है मस्का. Very good. आपका सामान पैक किया गया है. You have 10 minutes. Goodbye. Your rustication letter. अपुन नहीं जाएगा इधर से. मैं जानता था. Inspector Rawal. That's your man. Throw him out. चलिए. मीना, मुन्ना को लेने पुलिस आई है. क्या? हाँ. चल. मकसूद भाई, मुन्ना को लेने के लिए पुलिस आई है. स्वामी, मुन्ना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. क्या? जल्दी चल. पंकज, मुन्ना को पुलिस ने अरेस्ट किया. जल्दी चलो. इसको नहीं ले जा सकते जनाब. कौन हो तुम? 30 साल से तुम्हारा अस्पताल साफ कर रहा हूं. तुम्हें नाम भी नहीं मालूम? मुन्ना से पूछो, वो फर्स्ट आदमी है जो मेरे को थैंक यू बोला, गले लगाया. तो कॉलेज के गेट पे खड़ा रहे और आते जाते जिसे चाहे वो गले लगा ले. इस कॉलेज में नहीं. नहीं साहब, वो नहीं जाएगा. अगर मुन्ना गया तो हम सब स्ट्राइक पर जाएंगे. कॉलेज Matron! Open the door! Come on! Move it! Hand your hand up! Move it! I said move it! Get out of my way! Move it! Hand your hand up! Hey sir, 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 please sir, जाने दीजिए. स्वामी तुमको पता है कि तुम हमेशा सेकंड क्यों आते हो? क्योंकि ये चीटिंग करके फर्स्ट आता है. This is not fair sir. मुन्ना कभी चीट नहीं कर सकता है. पूछो रुस्तम से. मुन्ना ने खुद हमें सबके सामने कहा कि वो चीटिंग करके पास होता है. Rustam, tell them. Kab, sir? I don't remember, sir. तुम लोगों को विश्वास नहीं है कि ये चीटिंग करके पास हुआ है. ठीक है, आई विल प्रूव टू यू. बोर्ड पे नोटिस लगाओ. कल सुबह 8 बजे असेंबली हॉल में सबके सामने मैं मुरली प्रसाद शर्मा का एग्जाम लूंगा. और अगर ये एक भी सही जवाब देगा तो वो इस कॉलेज में रह सकता है. सर, आप तो इसे ऐसे ही सवाल पूछेंगे जो इसे नहीं आते. कीप योर माउथ शट स्वामी, लेट मी फिनिश. इस कॉलेज के कोई भी 3 प्रोफेसर्स का पैनल चुनो. तुम चुनो. वो कोई भी सवाल पूछे और वो ही डिसाइड करे कि मुरली प्रसाद शर्मा डॉक्टर बनने लायक है या नहीं. सी यू टुमारो. डायबिटीज मेलिटस इज अ क्रॉनिक लेनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन. द सिम्टम्स आर पॉलीहाइड्रा, अनयूजुअल थर्स्ट, पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड अनयूजुअल वेट लॉस.
अरे आराम से, बाहर आवाज आ रहा है। डॉक्टर पटेल, अब आप अपना सवाल पूछिए। मिस्टर मुरली प्रसाद, प्लीज टेल अस द ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सेरेब्रल मलेरिया कलेक्टिवली इज। नहीं नहीं मुन्ना, सेकंड क्वेश्चन इज ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड क्वेश्चन इज मलेरिया। अरे ऐसा नहीं करने का, पहले उसने पूछा ना, ऑर्डर ब्रेक नहीं करने का, बहुत मुश्किल से रट्टा मार के आयो मैं। डॉक्टर अस्थाना, किसी को भी सवाल पूछने को कह सकते हैं। उसकी जात का। अरे अस्थाना, ठीक है तुम्हारा आंसर है, देयर आर टू स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, इंटेंसिव थेरेपी फॉर टू मंथ्स व्हिच इंक्लूड्स फोर ड्रग्स, एनेसिन, पेनिसिलिन एंड रिफैम्पसिन। अरे बीच में नहीं बोलने का ना यार, पूरा जो मेरा रिदम है ना, तुम अभी वापस शुरू करना पड़ेगा। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। मुन्ना, डॉक्टर सुमन तुम्हें ढूंढ रही है, जहीर की हालत बहुत खराब है। जहीर? मुन्ना, शाम से तबीयत बिगड़ रही है, बार बार सिर्फ तुम्हें ही बुला रहा है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। क्या बात कर रहे हो सुमन जी? मुन्ना, तुम कुछ कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी, प्लीज चलो। जहीर भाई, जहीर भाई, जहीर भाई, टेंशन नहीं लेने का। तुम्हें कुछ नहीं होगा जहीर भाई, मैं हूं ना तुम्हारे पास। एक डॉक्टर, एक कुछ करना। कोई और नहीं, सिर्फ तुम मुन्ना, सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो, तुम किसी को भी बचा सकते हो मुन्ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम खुदा हो मुन्ना, तुम खुदा हो। ऐसा मत बोलो जहीर भाई, तुम खुदा नहीं है, उनको पाप लगेगा। सिर्फ आज रात मुन्ना, कल 11 बजे अम्मी आ रही है, 11 बजे तक मैं अम्मी से मिलना चाहता हूं मुन्ना। प्लीज बचा लेना यार। तुम अम्मी से मिलेगा जरूर, अपुन भी मिलेगा। अम्मी? तुम अम्मी को बोलना अपुन तुम्हारा दोस्त है, आज सर भाई, सर भाई। Diabetes mellitus is a chronic clinical syndrome characterized by hyperglycemia. The symptoms are polyhydra, unusual thirst, polyuria, frequent urination, and unusual weight loss. Silence, please. Thank you. Next question, please. Mr. Sharma, describe the treatment for pulmonary tuberculosis. Should I repeat the question? उसे पता नहीं तो आगे बढ़ते हैं। उसे पता है? I mean, I'm sure उसने जरूर पढ़ा होगा। Pulmonary tuberculosis के पेशेंट को तुम कैसे ट्रीट करोगे मुरली? मुरली, come on मुन्ना, बोल मुन्ना बोल। मैं मरना नहीं चाहता हूँ मुन्ना। There are two stages of treatment. सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो। Intensive therapy for 2 months with the use of 4 drugs. Very good, go on. Rifampicin. क्या बोल रहा है अपुन साला? अपुन क्या किसी का ट्रीटमेंट करेगा? अगर ट्रीटमेंट करने को आता, तो जहर को मरने देता। अपुन को कुछ नहीं आता है, माफ करो अपुन को। अरे पर तुम सही जवाब दे रहे हो। सिट डाउन रुस्तम। अरे छोड़ ना रुस्तम,
अपुन क्या इलाज करेगा? ज्यादा से ज्यादा किसी को गले लगाएगा, स्माइल कराने की कोशिश करेगा, बस। बहुत हो गया नाटक। सच बोले तो अपुन एक गली का गुंडा है, चीटिंग करके आया इधर। कल रात जहीरापुर के हाथ में बात, ये सोच के मरा कि अपुन एक साला डॉक्टर है, बचा लेगा उसको। अपुन को बोलता है तुम खुदा है, मां के आने तक बचा लो। अपुन क्या करता रुस्तम, बोलना। लेकिन साला तुम लोग डॉक्टर है, तुम लोग ने क्यों कुछ नहीं किया? कुछ दवा शवा देके बचाने का था ना उसको सुबह तक। मां को देख लेता बेचारा, अपुन की एक रिक्वेस्ट है, उसकी मां हरे लिए 11 बजे उससे फॉर्म वॉर्म मत भराना, डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म, बॉडी ले जाने का फॉर्म। अक्का दिन चक्कर मारती रहेगी अस्पताल का, जवान बेटा मर रहा है ना उसका, हेल्प कर लो उसको। अपुन चलता है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी जहर भाई। मुझे उम्मीद है कि मुन्ना भाई का नाम इस कॉलेज में फिर कभी नहीं लिया जाएगा। How can we please get back to work? Congratulations, Dad. आज के बाद आप मुन्ना का नाम कभी नहीं सुनेंगे। एक भाई का, एक गुंडे का नाम क्यों ले कोई? बिल्कुल नहीं। आप जीत गए, Dad. Congratulations. एक बार फिर इस हॉस्पिटल में डिसिप्लिन होगा, कायदा होगा, खामोशी होगी। फिर कभी यहां हंसी मजाक नहीं होगा, कोई किसी को गले नहीं लगाएगा। आज से कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में मुस्कुराएगा नहीं। कंग्रेचुलेशंस डैड। पागल था मुन्ना, क्या लगा उसे वो कैरम खेलकर किसी को ठीक कर देगा और हम उसे करने देंगे? वो नाच गाने से एक मरते आदमी को खुशी के पल देगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे? वो सबको खुले आम जादू की चप्पी देगा और हम उसे रोकेंगे नहीं? ऑफ कोर्स रोकेंगे, ऐसे आदमी को रोकना ही चाहिए। He's dangerous. देखिए वो क्या करके चला गया। देखा डैड, दोस्ती, हमदर्दी, लगाव का नतीजा। आपका दिल जानता है कि ये चमत्कार है, मगर आप जीत गए डैड। आज के बाद इस हॉस्पिटल में कोई चमत्कार नहीं होगा। कंग्रेचुलेशंस डैड, कंग्रेचुलेशंस। लात मारू क्या? ए भाई मैंने क्या किया अभी? अरे तेरे को नहीं यार, इसको इसको लात मार देगा, इसको मार देगा। ए सर्किट,
अपुन ने डिसाइड किया है कि अपुन को गांव जाने का है। मेरे को मालूम था, मेरे को मालूम था। ये देख, अपुन अपने ना पहले से दो टिकट लाया है। अरे दो टिकट काहे को यार? ए भाई तू नहीं चलेगा क्या? इधर आ, इधर तू जरा गांव जाके क्या करेगा बोल मेरे को? तेरे को तो साला हल भी चलाने को नहीं आता है। ए भाई अगर मैं हल चलाएगा तो बैल क्या करेगा? ये सर्किट माँ की बहुत याद आ रही है यार। ये सर्किट मेरे को माँ की इतनी याद आ रही है कि वो दिख रही है मेरे को यार। अला भाई तुम्हारी याद तो बहुत सॉलिड है रे, अपने को भी दिख रही है। वो इधर आ रही है क्या भाई? अपन पिए ले यार। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ था रात भर? माँ, हे माँ, हे माँ, कहाँ थी तू इतने दिन? माँ मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी ना? माँ, माँ। भाई तेरे को बाबूजी की भी याद आ रही है? अपने को बाबूजी दिखाई दे रहे हैं। क्या बात कर रहा है? उधर उधर हाँ कहाँ जाता है? पिटने वाला है भाई। दस साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तेरी आंख में शर्म नहीं आई, और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है तू सर झुकाए खड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं। लेकिन बाबूजी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। अरे पगले, डॉक्टर तो सिर्फ जान बचाते हैं, तूने तो लोगों को जीना सिखा दिया। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। जा बेटा, चिंकी छत पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। चिंकी? हाँ, उसी ने मैं यहाँ बुलाया है। लेकिन बाबूजी, तू जाता है या उठाऊं छड़ी? हेलो बोले तो कैसी है तू चिंकी? ठीक ही हूँ। वो तूने अपुन को ऊपर बुलाया, कुछ कुछ काम था क्या? हाँ मुन्ना, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, तुम करोगे? वो बुरा नहीं मानने का चिंकी, लेकिन अपुन किसी दूसरे को लव करता है ना? किससे मुन्ना? वो तेरी दोस्त है ना डॉक्टर सुमन, उससे। ठीक है तो उससे शादी कर लो। सुमन जी आप? चिंकी। चिंकी बोले तो? सुमन, जिससे चाहो शादी कर लो। तुम सब अपुन को मिलके मामू बनाए ना। जादू की झप्पी चाहिए? फिर क्या, मुन्ना ने चिंकी से यानी सुमन से शादी कर ली। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। एक साल बाद सर्किट ने भी शादी कर ली, ये उसका बेटा है। सभी से प्यार से शॉर्ट सर्किट बुलाते हैं। डीन रिटायर होकर मुन्ना और सुमन का अस्पताल चलाता है।
बड़ी मजेदार जगह है। मरीजों को दवाई के साथ साथ कैरम बोर्ड और झप्पी के डोज भी मिलते हैं। कोई नया पेशेंट आए तो अस्ताना कहता है, मामो वार्ड में लेट जा, फॉर्म अपन बाद में भरेंगे। ये रुस्तम है, कॉलेज का नया डीन। इसने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन इसके पापा अभी तक रानी के पीछे पड़े हुए। मुन्ना डॉक्टर नहीं बन पाया, फिर भी MBBS कहलाता है, मियां बीवी बच्चों समेत। और ये मैं हूं। आप रो क्यों रहे हो? मैं कल कोलकाता जा रहा हूं, अब वहीं रहूंगा। वहां इन सब की बहुत याद आएगी, खासकर इस मुन्ना की। मामू सुबह हो गई मामू, चलो मामू अंदर चलते। मामू चलो चलो, सुबह हो गई मामू, मामू रे मामू। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। कैसे हंसते जाए जब कोई रोता है, किसी का दिल जो तोड़े कैसे वो सोता है। हाँ मैं तेरे आंसू पोंछूं, अरे रुमाल देना मामू। सुबह हो गई मामू, मामू मामू, सुबह हो गई मामू, मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, जागे, जागे। देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो। सुबह हो गई मामू, मामू मामू, सुबह हो गई मामू, मामू रे मामू।